हेलो एवरीवन, आप सभी का समीताज एकेडमी में स्वागत है और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 100 सब्जेक्ट साइंस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये एक मैराथन सेशन रहेगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ के 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है उसका हमें पता लगाना है। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जितने भी कंबशन रिएक्शंस है वहाँ पे क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो ये बात तो सही है क्योंकि कंबशन में क्या होता है, किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और उस प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी है वो रिलीज होती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज इन ऑल दीज रिएक्शंस, मतलब जो कंबशन रिएक्शन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और फिर क्या होता है, उस रिएक्शन में जो हीट है वो रिलीज होती है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो सही है और जो S2 है वो करेक्टली S1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है, उस वजह से क्या होगा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में भी दिया रहेगा, आप देख लीजिएगा जस्ट वीडियो को पॉज करके कि आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको दो रिएक्शंस दिए गए हैं, तो हमको पता करना है कि जो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है वहाँ पर जो रिएक्शन कौन से टाइप का बताया गया है, किस ऑप्शन में सही से दिया गया है। तो अगर हम रिएक्शन 1 को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस 2NaCl। तो अगर हम देखें बेरियम 1 है तो यहाँ पे भी बेरियम 1 है, SO4 हो गया, और यहाँ पे Na और यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि बेरियम क्लोराइड जो कि बेरियम का एक सॉल्ट है उसे कौन डिस्प्लेस कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो एक बन रहा है हमको जो सॉल्ट मिल रहा है वो क्या है, बेरियम सल्फेट, और दूसरा हमको क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड। सो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमको डबल डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहला वाला जो हमको मिला वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीज़ें मतलब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रही है, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। पहला वाला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे तो एक मिनट, हिंदी वालों के लिए ये रहा क्वेश्चन और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमको अगेन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बताया गया है। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल, तो कहा जा रहा है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं, यानी कि अगर ए से कोई बी हमको बनता हुआ नजर आया तो हम बी से ए की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कागज का टुकड़ा ले और उसको मल्टीपल पीसेस में फाड़ दे तो उस फटे हुए पीसेस से हमको दोबारा जो इंटैक्ट पेपर था वो नहीं मिलने वाला। तो फिजिकल चेंजेस हमेशा ही रिवर्सिबल होते, ऐसी कोई बात होती नहीं है। स्टेटमेंट 2 में बताया गया नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में कोई भी नई वस्तु या नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नया प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है, तो ये बात सही है। उस हिसाब से अगर देखें तो जो S1 है वो गलत है और S2 जो है वो सही है, तो S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग फॉर फ्लेम ऑफ अ कैंडल। सो जो हॉटेस्ट पार्ट है वो कौन सा पार्ट होता है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, तो यहाँ पे ए चला जाएगा। मॉडरेटली हॉट होता है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, तो यहाँ पे बी चला जाएगा। लीस्ट हॉट होता है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नड वैक्स वेपर्स, तो ये हो जाएगा सी के साथ। तो अगर हम मैच करें, ए जा रहा है 3 के साथ, 2 ऑप्शन में जा रहा है, बी जा रहा है 2 के साथ, सी जा रहा है 1 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो कॉपर मेटल है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टेटमेंट वन में कहा गया है ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी होराइजंस इज एडवांटेजियस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो कहा जा रहा है कि सॉइल के जो अलग अलग लेयर्स होते हैं जिनको हम होराइजंस कहते हैं, तो पौधों का ग्रोथ और उनके जो रूट्स की ब्रांचिंग है वो ए और बी होराइजन तक फैली होने से क्या होता है कि पौधों को एडवांटेज मिलता है कि वो प्रॉपरली वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर सके विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. स्टेटमेंट टू में कहा गया है कि ए और बी होराइजन में पानी, मिनरल्स और ह्यूमस की भरमार होती है. मतलब ये दोनों होराइजन दीज आर रिच इन वाटर, मिनरल्स एंड ह्यूमस. तो अगर हम देखें कि स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, और स्टेटमेंट टू प्रॉपरली स्टेटमेंट वन को जस्टिफाई भी कर रहा है कि क्यों ए और बी होराइजन्स तक ही जो रूट्स है उसका ग्रोथ होता है और उनकी ब्रांचिंग होती है, क्योंकि इन दो होराइजन्स में पानी, मिनरल्स और ह्यूमस की क्या है, भरमार है, जिस वजह से यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है रूट्स की, जो ग्रोथ होती है वो यहीं तक सीमित है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही सही है. स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्टली एस वन को एक्सप्लेन कर रहा है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज. तो सीवेज का जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है वो क्या है. तो देखिए यूरिया वो तो ऑर्गेनिक चीज़ है, पेस्टिसाइड्स, वेजिटेबल वेस्ट ये सभी ऑर्गेनिक चीज़ है. हमको इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज निकालनी थी, तो वो क्या होगी, वो होगा फॉस्फेट्स जो कि ओनली बी. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, केवल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में आउट ऑफ ए बी सी डी कौन से स्टेटमेंट सही बताए गए हैं. तो पहले वाले में कहा गया, ए वाले में, टू प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पौधों की जरूरत है, जो कि गलत बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही आते हैं, तो वहाँ पर तो एक प्लांट में ही काम हो जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये वाला गलत हो गया. नेक्स्ट है ओनली इंसेक्ट्स आर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. तो ये बात भी गलत है, क्योंकि इंसेक्ट्स के सिवाय जैसे कि एनिमल्स होते हैं, फिर आप देख लीजिए वाटर होता है, एयर होता है, सो ऑल दीज आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो गया. सी में बताया गया है फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आफ्टर पॉलिनेशन. तो ये बात सही है कि पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट. तो इसके बाद ही जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उसका फ्यूजन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ये बात तो सही है. और प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हमको कैसे पौधे मिलते हैं, उनकी सीड से मिलते हैं. तो ये बात भी सही है. तो जो बात सही है उसको हमको देखना था. तो सी और डी, ये दो स्टेटमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में सही है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है पिक द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बेसिस बनाकर आपको ऑड वन आउट ढूंढना है. तो देखिए ग्रास ऑफर, कॉकरोच और एंट, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही है इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होते हैं स्पाइरेकल्स एंड ट्रेकिया. मतलब स्पाइरेकल्स होते हैं, उनके बॉडी के साइड्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि ट्रैकियल ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो ये दोनों ही उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. जो स्नेल है उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स. तो इनमें से कौन हटके है, वो है स्नेल. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री. ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड का प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो यूरिन फॉर्मेशन है उसका ऑर्डर बताया गया है. तो वो हमको देखना है कि कहाँ पर सही सही बताया गया है. तो सबसे पहले आप ए बी सी डी और ई को वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है. फिर आप देखिए कि क्या ऑर्डरिंग होनी चाहिए. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो खून है, ठीक है, खून से जो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस है उसको फिल्टर किया जाता है. कहाँ पे होता है वो किडनी में होता है. तो डी वाले ऑप्शन को हम पहला स्टेप मानेंगे. क्या है वो, ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रीचेस किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये पहला. उसके बाद क्या होगा, यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू ब्लड.
तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दोबारा से ब्लड में अब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। फिर क्या होगा, वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर इज फिल्टर्ड आउट एज यूरिन इन द किडनीज। तो बोलते हैं कि पानी में घुले हुए जो वेस्ट है वो क्या होते हैं, वो किडनी में फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है, छन के निकल कर आते हैं, हो गया। उसके बाद क्या होगा, यूरेटर्स कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो हमारे दो किडनीज के साथ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए होते हैं, उनको हम यूरेटर्स कहते हैं, जो कि यूरिन को कैरी करके किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आते हैं। तो ये बन गया फोर्थ स्टेप। फिर यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड था वो बाद में जब प्रेशर फील होता है तो वो यूरिनरी ओपनिंग से निकल कर आता है, जो कि यूरेथ्रा का ही एक पार्ट है। तो ये होगा फिफ्थ स्टेप। तो अगर ऑर्डरिंग हम देखें तो क्या होना चाहिए, डी होगा 1, सी होगा 2। सो डी होगा 1, सी होगा 2, ई होगा 3, ठीक है, फिर बी होगा 4 और ए होगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, डी सी ई बी ए, डी सी ई बी ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है, व्हाइल प्रिपेयरिंग डो फॉर मेकिंग केक, तो जब हम केक बनाने के लिए उसका आटा गूंथते हैं, द कुक एड्स अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड शुगर टू द डो। तो जो कुक है वो थोड़ा सा ईस्ट और शुगर ऐड करते हैं उस डो में, एंड लीव्स इट असाइड फॉर फ्यू आवर्स, और उसको कुछ घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। व्हाई डज द डो स्मेल सार आफ्टर फ्यू आवर्स, तो कुछ घंटों के बाद हमको जो आटा गूंधा हुआ है वो उससे खटास जैसी स्मेल क्यों आती है। तो अगर आप जानेंगे कि जो ईस्ट होते हैं वो एनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं, तो ये जो शुगर हमने दिया ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ये फर्मेंट कर देते हैं और वो बनाते हैं क्या, वो बनाते हैं अल्कोहल और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये जो खटास सी स्मेल आती है वो होती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि ईस्ट में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर ये जो शुगर है इसमें ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज टूटता है किस में, इथानॉल में, इथानॉल जो कि एक टाइप ऑफ अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, जिससे वो जो स्पंजी टेक्सचर है वो हमको मिलता है केक में, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये है रिएक्शन एनएरोबिक रेस्पिरेशन का इन ईस्ट। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो S1 और S2 में बताया गया है दो स्टेटमेंट, पढ़ लिया जाए। ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरीज, सो आर्टरीज से जो खून गुजरता है वो सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता है, जो बात सही है, क्योंकि आर्टरीज से जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है। तो ये हाई प्रेशर ही ये सुनिश्चित कर लेता है कि जो ब्लड का फ्लो हो वो एक ही दिशा में होनी चाहिए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है आर्टरीज हैव वाल्व्स, तो ये बात गलत है, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होती है, वेन्स में वाल्व्स होती है। तो अगर हम देखें तो S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, इसका सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, कंसिडर टू सिचुएशंस ए एंड बी गिवन बिलो। तो ए और बी हमको दो सिचुएशन दी गई है, इनमें से कौन सा इफेक्टिव होगा हीट को किचन से निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला वाला ए वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कहा गया है कि एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड ऑन द वॉल नियर द सीलिंग इन द किचन, मतलब किचन की जो छत है वहाँ पर उसके करीब जो एग्जॉस्ट फैन है उसको लगाया जाए। और बी वाले में कहा गया है कि एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड नेक्स्ट टू विंडो ऑफ द किचन, मतलब किचन का जो विंडो है उसी के करीब एग्जॉस्ट फैन को लगाया गया है। तो अगर आप देखिए कि किचन में खाना पकता है, ठीक है, तो वहाँ पर हीट बनती है, और हमने क्या पढ़ा है कि जब हवा गर्म होती है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो जितने एयर के मॉलिक्यूल्स वैसे भी दूर दूर ही होते हैं, ठीक है, बट हीट मिलने से वो और दूर फैल जाते हैं, और दूर फैल जाते हैं मतलब क्या, उनका जो वॉल्यूम है वो इनक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो वो हल्के हो जाते हैं, और गर्म हवा क्या करती है वो ऊपर की ओर उठने लगती है। तो गर्म हवा क्योंकि ऊपर की ओर उठने लगती है, तो अगर किचन का जो छत है वहां पर कहीं हम एग्जॉस्ट का फैन लगाए तो क्या होगा, एग्जॉस्ट फैन सारी गर्म हवा को खींच लेगा और उसको बाहर निकाल के
क्या करेगा, किचन को थोड़ा सा कूल डाउन कर देगा। बी वाले केस में क्या हो रहा है, कह रहे कि किचन का जो खिड़की है उसी के पास, मतलब ये खिड़की है, ये विंडो है और इसी के पास हमने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया। अब क्या होगा, खिड़की से आती हुई ठंडी हवा कौन खींच लेगा, ये एग्जॉस्ट फैन खींच लेगा और उसको बाहर कर देगा। तो खिड़की जिस लिए बनाई गई थी किचन में, वो पर्पस तो सर्व नहीं हो रहा कि जो फ्रेश एयर है वो किचन के अंदर एंटर करे। तो इसलिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो जो बेटर ऑप्शन है वो है ए, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किचन का जो छत है वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन को फिट कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी और ये फिर एग्जॉस्ट फैन खींच लेगी उस गर्म हवा को और किचन से बाहर कर देगी। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका सही उत्तर है कि ए विल बी मोर इफेक्टिव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, इन अ सिंपल पेंडुलम द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज डी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक पेंडुलम है, ठीक है, इसका जो मीन पोजीशन है उसको मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ। तो इसके जो एक्सट्रीम पोजीशन है कुछ इस जगह पे होंगे, सो ए और बी, ये दोनों इसके एक्सट्रीम पोजीशन है। और बताया गया है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी कितनी है, बी, ये बताया गया है हमको क्वेश्चन। और एक चीज बताई गई है, टाइम टेकन बाय बॉब टू मूव डिस्टेंस डी बाय 4 इज टी 1 सेकेंड। मतलब डी बाय 4 दूरी तय करने में इस पेंडुलम के बॉब को, बॉब कौन सा है, ये गोल वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है, इस पेंडुलम के बॉब को कितना समय लग रहा है, टी 1 सेकेंड लग रहा है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ डी बाय 4। वट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, सो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम बताता है जहां पर वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना मतलब क्या, मीन पोजीशन ओ से बी के तरफ जाना, फिर बी से मीन पोजीशन ओ की तरफ आना, फिर ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाना और फिर ए से मीन पोजीशन ओ की तरफ आना। तो ये जो मूवमेंट है ये कहलाती है वन ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमको जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि डी बाई 4 डिस्टेंस वो टी 1 सेकेंड में कवर करती है, तो यहाँ से ही हमको क्लू मिल गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए डी बाई 4 डिस्टेंस वो कवर कर रही है टी 1 सेकेंड में, तो डी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना समय लगना चाहिए, तो हम क्या जानते हैं, डी बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई हम 4 करेंगे तब हमको डी मिलेगा, तो 4 कट जाएगा तो हमको डी मिला कि नहीं मिला। अब देखिए डी बाई 4 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टी 1 सेकेंड लग रहा है, तो डी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 4 × t1 सेकेंड, राइट। सो टाइम कितना बन रहा है डी डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो बन रहा है 4 t1 सेकेंड, राइट। अब देखिए इसको कितने बार जाना आना करना पड़ रहा है, एक बार वो ओ से बी में गया तो उसको 4 t1 सेकेंड लगा। तो हम अब टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे, सो मेन पोजीशन ओ से वो बी की तरफ गया तो तब उसको कितना समय लगा, 4 t1 सेकेंड। फिर बी से ओ की तरफ आया क्योंकि डिस्टेंस डी है तो उसको कितना लगेगा, 4 t1 सेकेंड। फिर वो ओ से ए की तरफ गया तो तब कितना समय लगेगा, 4 t1 सेकेंड। और फिर जब वो ए से ओ की तरफ आया मेन पोजीशन पे तो कितना समय लगेगा, 4 t1 सेकेंड। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ऐड करें, तो 4 × 4 = 16, तो टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 16 t1 सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर डेटा गिवन इन टेबल्स ए एंड बी। टेबल ए और बी में जो हमको डेटा दिया गया है उस डेटा को यूज करके हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया है। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में होता है टाइम और वाई एक्सिस में होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमको स्लोप मिलता है, स्लोप हमको बताता है स्पीड, ठीक है, स्लोप हमको स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर आप इन दोनों टेबल को देखें तो देखिए जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस, एक घंटे में 10 किलोमीटर, मैं ऐसे ही 1 आवर और किलोमीटर मान के चल रही हूँ, 2 आवर में 20 किलोमीटर, 3 आवर में 30 किलोमीटर, ऐसा टेबल ए में बताया गया है। मतलब हर एक घंटे में 10-10 किलोमीटर बढ़ रहा है।
और इधर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जीरो आवर में जीरो डिस्टेंस, थ्री आवर्स में 30 किलोमीटर वो कवर कर रहा है। तो अगर वो सिक्स आवर्स में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि हर एक घंटे में ये भी क्या कर रहा है, 10-10 किलोमीटर ही कवर कर रहा है, क्योंकि देखिए 3 घंटे में ये भी 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, ये भी 3 घंटे में 30 किलोमीटर कर रहा है। नेक्स्ट 3 आवर्स में वो क्या कर रहा है, अगेन 30 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है फोर्थ आवर में वो 40 किलोमीटर कवर करेगा जो कि इसकी तरह ही मैच कर रहा है। तो अगर दोनों का स्लोप हम बनाएंगे, जब ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे तो जो स्लोप होगा जो कि उनके स्पीड के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो दोनों की ही स्लोप क्या होगी, दोनों की ही जो स्लोप है वो इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि हर एक घंटे में ये 10-10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो दोनों ही ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी सेम टू सेम होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड थिकनेस ऑफ लेंस इज रिड्यूस। तो कह रहे हैं कि साइज ऑफ इमेज जो कि कॉन्वेक्स लेंस पे फॉर्म हो रही है, मतलब उसके वजह से जो फॉर्म हो रही है उस पे क्या असर पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो और लेंस की जो थिकनेस है उसको घटा दी जाए, ठीक है। तो अगर आपने जो लाइट चैप्टर है जहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस, ठीक है, यहाँ से कैसे इमेज फॉर्म होता है, कहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो वो पड़ी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि साइज ऑफ द इमेज विल इंक्रीज, ये इसका सही उत्तर होगा, साइज ऑफ इमेज विल इंक्रीज, सो प्रतिबिंब का आमाप बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। तो साउंड और लाइट के बारे में कौन सी बात सही है, तो ए बताया गया है वाइब्रेशंस आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो ये बात तो सही है कि वाइब्रेशंस जरूरी है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन लाइट, तो जो साउंड है वो लाइट से धीमी गति से चलती है, तो ये बात भी सही है। बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, तो ये चीज़ गलत है, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है बट लाइट को नहीं ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से जो दोनों स्टेटमेंट्स हमको यहाँ पर सही मिले वो मिले ए और बी, जो कि इसका सही उत्तर होगा, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है उसके प्रोपगेशन के लिए, सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है टू ब्लॉक्स ऑफ आयरन ऑफ मासेस M1 एंड M2 आर लाइंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर। तो कहा गया है कि दो आयरन के क्या है ब्लॉक्स हैं जिनकी मास M1 और M2 है और वो एक सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है। इफ M1 इज ग्रेटर, अगर M1 जो है वो बड़ा है देन M2, ठीक है, मतलब मास क्या है M1, तो M1 जो है वो बड़ा है M2 से, तो फिर कौन सा यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर मैंने सीटेड आंसर की ने देखी है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि फ्रिक्शन एक्टिंग इन M1 एंड M2 इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस बेसिस पे जीरो बताया है कि ये अभी रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको जीरो बताया है। बट देखिए जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो रेस्ट पे होते हैं, उन पे स्टैटिक फ्रिक्शन तो काम करता है, तो उस हिसाब से जिसका मास ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्रिक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक मेरे को लगता है कि M1 इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन M2, ये वाला सही होना चाहिए था, क्योंकि NCERT के किताब में ही बताया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तब उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक्टिंग इन M1 एंड M2 इज जीरो, ये अकॉर्डिंग टू सीटेड आंसर की मैं इसको सही बता रही हूँ, बट मेरे नज़र से मुझे लगता है इसका जो सही आंसर है वो 1 होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या मेरा सोचना सही है कि नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है अ बलून इज प्लेस्ड ऑन द माउथ ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल। तो एक बलून को प्लास्टिक बॉटल के मुंह के ऊपर प्लेस किया गया है, मतलब उसको रखा गया है अच्छे से फिट करके। द बॉटल इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर स्टेप ए एंड देन प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर स्टेप बी। व्हाट विल हैपन टू द बलून। तो सपोज एक ऐसा कांच का बॉटल है, ठीक है, और उसका जो यहाँ पे मुंह है यहाँ पर हमने गुब्बारा अटैच किया हुआ है, तो जब हम उसको गर्म पानी में रखेंगे तो इस बॉटल के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, हाँ, वो दूर दूर तक फैलने लगेंगे,
जिस वजह से क्या होगा, ये जो बलून का सरफेस है वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो गर्म पानी में रखने से स्टेप ए में जो बलून है वो फूल जाएगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स को जो हीट मिली उस एनर्जी को मिलते ही क्या हो जाएंगे कि उसके जो मॉलिक्यूल्स तो वैसे भी गैसीय स्टेट में दूर दूर ही होता है, बट हीट मिलने से वो और दूर दूर चले जाएंगे, तो क्या हो रहा है, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड करने से क्या होगा कि वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिस वजह से जो बलून है वो फूल जाएगा जब हम उसको हॉट वाटर में रखेंगे। और कोल्ड वाटर में रखने से क्या हो जाएगा कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और कोल्ड वाटर में जो बलून है वो डिफ्लेट करेगा, ठीक है, वो डिफ्लेट करेगा। तो अगर हम देखेंगे कि स्टेप ए में इन्फ्लेट कर रहा है, स्टेप बी में वो डिफ्लेट कर रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज। सो फ्यूज वायर की क्या क्या खूबियां होती है, तो सबसे पहले मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि ये एक थिन वायर होती है, इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और इसकी हाई रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी होती है। फ्यूज वायर का काम ही क्या है कि जब भी सेफ लिमिट से ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है तो उसके चलते क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के चलते, क्योंकि फ्यूज वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होती है, तो वो पिघल जाता है और जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाता है, मतलब वो अभी ओपन सर्किट हो गया है, तो करंट का फ्लो रुक जाएगा और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको जो भी हार्म हो सकता था वो नहीं होगा, या जो आग पकड़ सकती थी वो होना ये रोकता है। तो हाई रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है फ्यूज वायर के साथ, वो भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। एक रिलेशन है H=I²RT, यहाँ पर H का मतलब है हीट का प्रोडक्शन, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट के थ्रू फ्लो करता है, और I मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, R है रेजिस्टेंस और T है टाइम। तो अगर आप देखें कि जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो कर रही है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एज वेल एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा फ्लो करेगा सर्किट से उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो फ्यूज वायर का अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के चलते क्या होगा, क्योंकि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाने से क्या हो जाएगा कि करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्रॉब्लम हो सकती थी, हार्म पहुंच सकती थी या फायर लग सकता था, उसको रोक देता है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा, थिन वायर, हाई रेजिस्टिविटी भी हाई हो तो तब भी हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, द सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ माइक्रोस्कोप। तो हम माइक्रोस्कोप की मदद से जो ऑनियन पील के सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऑनियन पील सेल्स को तो कुछ कुछ चीज़ें हमको नजर आती है जो कि ए बी सी और डी के फॉर्म में हमको दिया गया है, तो उसकी पहचान हमें करनी है डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज कॉल्ड, सो ऑनियन सेल का जो बाउंड्री होता है, तो सपोज ऑनियन सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं हमको, क्योंकि वो प्लांट सेल्स हैं तो उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी, तो वो जो बाउंड्री है कुछ इस टाइप की दिखती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए वाला जो होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन, विच इज कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड बी। तो ये जो आउटर बाउंड्री है ये एक मोटी सी कवरिंग से भी कवर्ड रहती है, तो मैं एक ही सेल की कवरिंग बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, थिक कवरिंग। तो ये जो थिक कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सो प्लांट सेल्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, वो है सेल वॉल, ठीक है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड, तो सेंटर में एक डेंस राउंड बॉडी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन ए एंड सी मतलब सेल मेम्ब्रेन और जो सी न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ए और सी के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो क्या है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर साइटोप्लाज्म। तो हमको ए बी सी डी आइडेंटिफाई करना था, ए हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन जो कि फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, बी है सेल वॉल, ठीक है, फिर सी है न्यूक्लियस और डी है साइटोप्लाज्म, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द एक्टिविटी गिवन बिलो. सो नीचे एक एक्टिविटी बताई गई है तो कौन सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दर्शाया गया है वो हमको समझना है. अ प्लास्टिक बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर एंड इट्स माउथ इज क्लोज्ड विथ अ कैप. तो एक प्लास्टिक के बॉटल को पानी से भर दिया गया है और उसका जो मुंह है उसको हमने एक कैप से बंद कर दिया है. अ होल इज मेड इन द बॉटल यूजिंग अ पुश पिन. सो बॉटल में एक छेद किया गया है यूजिंग अ पुश पिन. इट इज ऑब्जर्व दैट वाटर डज नॉट कम आउट ऑफ द होल. तो ऐसा देखा गया कि जो पानी है उस छेद से नहीं बाहर आ रही है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दर्शाया गया है. तो देखिए वाटर होल से कब आती, जब उस पर दबाव पड़ता, ठीक है, तब क्या होता कि उस होल से वाटर निकलती. सो यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, तो वो बात हो रही है प्रेशर के बारे में. ना ही बायोइंट फोर्स, ना ही डेंसिटी, ना ही ग्रेविटी. ओके, तो प्रेशर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है लाइट फ्रॉम अ लेजर टॉर्च इज मेड टू फॉल वन बाई वन ऑन अ प्रिज्म एंड अ ग्लास लैम्प. विच फिनोमिनन विल टेक प्लेस इन ए एंड बी. तो क्या है कि जो लेजर टॉर्च है वहां से जो लाइट रेज है वो एक बार प्रिज्म पे डाली गई फिर ग्लास लैम्प पे डाली गई. तो इनमें से कौन सा फिनोमिनन ए और बी में होगा. तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म बना लेते हैं रफली, ठीक है. सो इस प्रिज्म का जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे जगह पे होगा. अब इस पे जो लेजर लाइट पड़ रही है, जो इंसिडेंट रे है, वो कहां से कहां, कहां से कहां एंटर कर रही है. वो एंटर कर रही है एयर से, प्रिज्म जिस चीज का बना हुआ है उसमें. तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और ये जो प्रिज्म जिस चीज का बना है वो ऑप्टिकली डेंस मीडियम है. तो ये डेंसर मीडियम है, राइट. तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर बढ़ती है तो ये जो लाइट रे है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की ओर ये बेंड करती है. तो ये जो लाइट रे का जो पाथ था, एक्चुअल पाथ इसका क्या था, ये था, बट ये डेविएट किया जैसे ही वो डेंसर मीडियम में एंटर किया. मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं. तो ए में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. अब आते हैं ग्लास लैब. ग्लास लैब को मैं 3D फिगर में नहीं बना रही. तो जो ग्लास लैब होता है वो ऐसा टॉप से हमको ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में नजर आएगा, ठीक है. अब जो ग्लास लैब है उसका नॉर्मल ऐसे जगह पे है, तो हम यहाँ पे एन दे रहे हैं. अब क्या होगा, इस पे जो इंसिडेंट रे आके पड़ेगी, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, ये भी एयर जो कि रेयरर मीडियम है वहां से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है. क्योंकि ग्लास लैब जो है जिस चीज की बनी हुई है वो डेंस है एज कम्पेयर टू एयर. तो क्योंकि रेयरर टू डेंसर मीडियम ये एंटर कर रही है लाइट रे, तो इट विल ऑल्सो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट. तो क्या था, एक्चुअल लाइट का पाथ कुछ और था, ठीक है, तो वो डेविएट कर रहा है अपने पाथ से. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर भी बी वाले में हो रहा है रिफ्रैक्शन. तो अगर हम देखें ए और बी दोनों में ही कौन सा फेनोमेना हमको नजर आएगा, वो है रिफ्रैक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो कहा गया है कि किस टाइप की रिएक्शन पौधों में होती है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खाना बनाते हैं. तो यहाँ पर हम किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अगर लिखा जाए तो उसका रिएक्शन क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू गिव अस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये है पानी, ये है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन. तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर दोनों कंबाइन करके हमको क्या दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं ग्लूकोज, राइट. सो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि ऑप्शन 3rd में बताया गया है. तो इसका सही उत्तर होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है हाउ कैन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बी मेड टू डिसॉल्व मोर ऑफ कॉपर सल्फेट. तो कहा गया है कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का.
सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अब हम इसमें जितना भी कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कर दे वो और इसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट यहाँ से पूछा गया है कि हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हम और भी कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर पाए इस सॉल्यूशन में। तो एक्चुअली अगर हम हीट देते हैं इस सॉल्यूशन को तो तब क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर हम इसमें डिसॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। सो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो यहाँ पे टैब्यूलेटेड फॉर्म में हमको क्या बताया गया है, डिजीज के नाम दिए गए हैं, उनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम मतलब टाइप्स बताए गए हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से वो फैलते हैं वो बताया गया है। तो देखिए पोलियो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये एक वायरस के वजह से होता है तो ये एक वायरल डिजीज है। कोलेरा वायरल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है क्योंकि इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो है बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस बी भी वायरल डिजीज है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वायरस। मीजल्स वायरस के वजह से होता है। तो देखिए पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, ए बी और सी को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही गलत दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक चीज़ गलत है तो वो पूरा ऑप्शन ही यहाँ से हट जाएगा। बच जाता है क्या कि जो मीजल्स है वो एक वायरल डिजीज है क्योंकि इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक वायरस है और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर। तो यहाँ पर ओनली डी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव बोन्स एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो कहा गया इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में बोन्स नहीं होते हैं और उनमें जो मूवमेंट होती है वो कैसे मूव कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, मसल्स। सो देखिए स्नेक्स में बोन्स होती है, ठीक है, और एंट्स और क्रैब्स में ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स नहीं होता है फॉर देयर मूवमेंट, मतलब एक्चुअली जो उनकी बॉडी है वो पूरा मस्कुलर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अर्थवर्म जो होगा उसका ये उत्तर होगा क्योंकि अर्थवर्म की पूरी बॉडी ही क्या है, बोनलेस है, मतलब उसमें हड्डी नहीं है और वहाँ पर जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके उसकी मूवमेंट में मदद करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा केंचुआ इसका सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन जो यहाँ पर हमसे कहा गया है द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट में रिजल्ट इन पुअर ब्लड क्लॉटिंग एंड सब्सिक्वेंट ब्लीडिंग। तो बोल रहे हैं कि किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मतलब अच्छी तरीके से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है जिस वजह से खून बहता रहता है, तो ये होता है विटामिन के की कमी के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि बाकी जो है उनका रोल ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हेन एसिड ए इज एडेड टू बेस बी सी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कह रहे हैं जब एसिड ए के साथ बेस बी रिएक्ट करता है तो सी बनता है और इसके चलते लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। सी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी का इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैन्युफैक्चर करने में होता है। तो ये जो सेंटेंस है सी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यही बता देता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जहां पर कैल्शियम सल्फेट दिया रहेगा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट इस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी एसिड रिएक्ट कर रही है, एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 रिएक्ट्स विद लाइम वाटर जो कि बेस है। तो लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमको क्या देता है, प्रोडक्ट क्या मिला हमको, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो ABC है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड नैप्थलीन एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सैंड नैप्थलीन और सॉल्ट का एक मिश्रण, एक मिक्सचर हमको दिया गया है, तो हम इनको अलग अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नैप्थलीन है, हाँ नैप्थलीन क्या करता है, इसमें सब्लिमेशन हमको होते हुए नजर आता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चले जाना। ठीक है, सॉलिड टू गैशियस स्टेट कन्वर्शन को ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। सो नैप्थलीन को तो हम सेपरेट कर लेंगे, जैसे ही हम हीट देंगे तो नैप्थलीन जो सॉलिड फॉर्म में है वो गैशियस स्टेट में ऊपर कलेक्ट होने लगेगा, तो वहां से हम नैप्थलीन को हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर।
तो सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर में अगर हम पानी को ऐड करेंगे तो पानी में कौन घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा सॉल्ट, तो रह कौन जाएगा एज सेडिमेंट, रह जाएगा बालू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम डिकैंटेशन अगर करेंगे, डिकैंटेशन करने से क्या होगा कि ऊपर का जो क्लियर लिक्विड है वो हम एक कंटेनर में ले लेंगे, उस क्लियर लिक्विड में क्या है अभी, वाटर और सॉल्ट है, और सेडिमेंट के फॉर्म में हमको क्या मिल जाएगा, सैंड। तो देखिए यहाँ पर हमने सैंड भी अलग कर ली, सब्लिमेशन से नैप्थलीन अलग हो गया, डिकैंटेशन से क्या हो गया, सैंड अलग हो गया एक कंटेनर में, और दूसरे कंटेनर में हमको क्या मिला, पानी जिसमें सॉल्ट घुली हुई है। अब यही सॉल्ट सॉल्यूशन को, मतलब सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको अगर हम इवेपोरेट करेंगे तो सारा पानी भाप बनकर एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं हम, और जो सॉल्ट है वो उस कंटेनर में बच जाएगा। तो हमको तीनों ही जो कॉम्पोनेंट्स है मिक्सचर के वो मिल जाएंगे अलग अलग से। तो यहाँ पर कौन सा मेथड अपनाना सही रहेगा, तो ऑप्शन टू में जो जो मेथड्स बताए गए हैं उनको फॉलो करने से हम तीनों ही कॉम्पोनेंट्स को उनके मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हाउ डज द स्पीड ऑफ अ कॉइन फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। तो कहा जा रहा है कि कोई एक सिक्का जो कि बिल्डिंग के रूफ से नीचे ग्राउंड की तरफ गिर रही है तो उसकी स्पीड क्यों बढ़ती रहती है। द कॉइन इज वेरी लाइट, जो कॉइन है वो हल्का है, नहीं, अर्थ अट्रैक्ट द कॉइन, तो ये बात सही है क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइन, ये नहीं हो सकता। एयर पुशेस द कॉइन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ए बी एंड सी डी आर टू बार्स सच दैट। तो हमको ए बी और सी डी दो बार्स मिले हैं, तो हम बना लेते हैं बार्स को, ये है ए बी बार और ये है सी डी बार्स, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है एंड ए इज रिपेल्ड बाई एंड सी, सो जैसे ही ए को सी एंड के करीब लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे को धकेल देते हैं, मतलब रिपेल करते हैं, उनमें रिपल्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है एंड बी एंड सी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, और बी और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड बी एंड डी रिपेल ईच अदर, और जो बी और डी एंड्स हैं दोनों बार्स के वो एक दूसरे को धकेल दे रहे हैं, मतलब उनमें रिपल्शन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कहा जा रहा है ए बी इज अ मैग्नेट बट सी डी इज नॉट मैग्नेट, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दो एंड्स हैं उनमें अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो वैसा तो दो मैग्नेट्स होंगे तभी पॉसिबल है। ए बी इज नॉट अ मैग्नेट बट सी डी इज अ मैग्नेट, ये भी नहीं होगा। बोथ ए बी एंड सी डी आर मैग्नेट्स, ये बात सही है। बोथ ए बी एंड सी डी आर नॉट मैग्नेट्स, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोनों बार्स के ही जो एंड्स हैं कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसा कब होता है, जब दोनों ही मैग्नेट्स हो। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहां पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज लीस्ट लाइकली टू ऑकर, सो 1, 2, 3, 4 में जो रिएक्शंस हमको दिए गए हैं इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करें तो सबसे रिएक्टिव जो मेटल है वो कौन है, वो है पोटेशियम, राइट। तो उसका जो सिंबल है वो है के, तो सबसे रिएक्टिव अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर पाना मुश्किल है। पर देखिए यहाँ पर ये जो फोर्थ वाला रिएक्शन बताया गया है, यहाँ पर बता रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है, तो ब्रोमीन ने पोटेशियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये होने से रहा क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी पोटेशियम से नीचे है, सो इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस पोटेशियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो ये वाला जो है रिएक्शन ये लीस्ट लाइकली टू ऑकर है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फोर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई डज अ पेपर कप कंटेनिंग वाटर नॉट कैच फायर व्हेन हीटेड विद अ कैंडल प्लेस्ड बिलो इट। तो कहा जा रहा है कि एक पेपर का कप है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो उस पेपर कप को जब हम कैंडल के सपोज हमने यहाँ पे कैंडल जलाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल जल रही है और यहाँ पर हमने वो पेपर कप को रखा हुआ है फ्लेम के ऊपर जिसमें पानी है, ठीक है, तो वो आग क्यों नहीं पकड़ती है। आग तो पकड़ना चाहिए क्योंकि पेपर तो जलता है आग के कांटेक्ट में आने से, बट इस केस में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से पेपर कप में आग नहीं लग रही है। तो पेपर इज नॉन कम्बस्टिबल, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, कागज़ तो जलती है। पेपर डज नॉट रीच इग्निशन टेम्परेचर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होती है आग पकड़ने के लिए, तो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पानी के प्रेजेंस के कारण क्या हो रहा है, वो रीच ही नहीं कर रहा, जिस वजह से आग नहीं पकड़ रहा है ये पेपर का।
वाटर हैज़ लो स्पेसिफिक हीट, ये नहीं होगा क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है. पेपर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, तो ये भी नहीं होगा. तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. तो यहाँ पर कॉलम 1 में हमको तरह तरह के जॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं और कहाँ पे इनकी लोकेशन है वो यहाँ पर कॉलम 2 में दी गई है. तो अगर हम बारी बारी से देखें तो सबसे पहले ए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जॉइंट बिटवीन आर्म एंड शोल्डर, जहाँ पर 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ होती है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाती है, तो ये ए हो जाएगा. फिक्स जॉइंट जो होता है वो होता है हमारे अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में, ठीक है. फिर जो हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट होता है जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द एल्बो में मदद करता है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे. और पिवोटल जॉइंट होता है नेक और हेड जहाँ पर जुड़ते हैं उस जगह पर, तो जो हमारे सर्वाइकल रीजन में जो दो बोन्स हैं एटलस एंड एक्सिस और उसके ऊपर हमारा जो स्कल रोटेट करता है, रोटेट तो नहीं करता मतलब जो मूव करता है, तो वहाँ पे उस जगह पे पिवोटल जॉइंट होता है. तो जॉइंट वेयर नेक जॉइंस द हेड, तो ये हो जाएगा डी. तो अगर हम यहाँ पर जो जॉइंट्स हमने मैच किए उसको देखें तो ए टू के साथ जा रहा है, ए टू के साथ दो ऑप्शन में जा रहा है तो बी पे बढ़ते हैं, बी थ्री के साथ जा रहा है तो थर्ड ऑप्शन है, ए टू, बी थ्री, सी वन और डी फोर. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, ए टू, बी थ्री, सी वन, डी फोर. आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स एस वन एंड एस टू गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर हमको S1 और S2 के तौर पे दो स्टेटमेंट्स दी गई है, तो हमको इनको पढ़ के आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 ऑप्शन कौन सा सही है वो देखना है. तो देखिए, मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर. तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बात तो सही है क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो मेटालिक ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है, बेसिक होती है. बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो यहाँ पर मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा गया है, जो बात सरासर गलत है क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एस वन इज करेक्ट बट एस टू इज इनकरेक्ट. तो इसका थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर कहा गया है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड. तो एक ऑब्जेक्ट है वो किसी लिक्विड के ऊपर तैर रही है और उसका आधा हिस्सा मतलब हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम वो लिक्विड के अंदर है. व्हाट इज द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप थ्रस्ट है या जो बायंट फोर्स है वो कितना है. तो अगर आपने बायंसी की जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ी होगी, डेंसिटी एंड बायंसी की जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ी होगी, तो आपने ये पढ़ा होगा कि द बायंट फोर्स एक्टिंग on an object that is fully submerged or partially submerged, okay? So it is equal to the weight of that object. तो यहाँ पर equal to its weight इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? बाकी जो है वो नहीं है इसके सही उत्तर. Next question में हमसे कहा गया, which of the following is true regarding of heart in fish? So fish की जो दिल होती है, फिशेस की जो हार्ट होती है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमको ढूंढना है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिश की कैसी हार्ट होती है, टू चेम्बर्ड हार्ट होती है, इनके दो ही चेम्बर होते हैं, टू चेम्बर्ड हार्ट. सो दो चेम्बर में एक होता है इनका एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल. तो देख लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है. 444 पहले से ही क्रॉस हो जाएगा. सो अ टू चेम्बर्ड हार्ट विथ वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन. सो ये जो गोल वाला पार्ट है इसको बॉब ऑफ द पेंडुलम कहा जाता है और इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहा जाता है, ठीक है, ओ मैंने डिनोट किया है. तो इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम है उसको मीन पोजीशन से रिलीज किया है टुवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम पोजीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉब एट द एक्सट्रीम पोजीशन. तो इनमें से बॉब का जो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट सही जा रहा है. तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो तो वो तो होगा नहीं, स्पीड इज मैक्सिमम वो भी नहीं होगा, स्पीड इज ज़ीरो ये बात सही है, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम ये बात गलत है. तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन में, ये जो यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो ज़ीरो है, वही बताया जा रहा है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3.
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो कह रहे हैं कि प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, मतलब प्लांट्स में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कि अलग अलग पार्ट्स से हमको न्यू प्लांट्स मिल रहे हैं जहाँ पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कौन से प्लांट पार्ट्स को हम किसी भी प्लांट को वेजिटेटिवली प्रोपगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो देखिए फ्लावर जो होता है प्लांट का वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मदद करता है. तो जिस ऑप्शन में आपको फ्लावर दिख जाएगा उसे आपको क्रॉस कर देना है क्योंकि वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उसका कोई भी रोल नहीं है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल है. तो बच जाता है ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर रूट्स स्टेम्स और लीव्स बताए गए हैं. तो अगर हम रूट्स देखें तो रूट्स होता है जैसे स्वीट पोटैटो का जो रूट होता है उससे हमको एक नया प्लांट मिल सकता है. फिर जो रोज प्लांट है उसके स्टेम कटिंग से हमको न्यू रोज प्लांट मिल सकते हैं. ब्रायोफाइलम के जो लीफ मार्जिन में बर्ड्स होते हैं वहाँ से हमको नया ब्रायोफाइलम का प्लांट मिल सकता है. तो ये जो रूट स्टेम्स और लीव्स है ये प्लांट के ऐसे पार्ट है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट को मदद करते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है पीसेस ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स वुड मेटल एंड ग्लास ऑफ इक्वल मास एंड टेम्परेचर आर रिमूव फ्रॉम अ हॉट ओवन एंड ड्रॉप इनटू क्रश्ड आइस. सो क्या है कि हमारे पास 3 डिफरेंट मटेरियल्स है जो कि है लकड़ी, धातु और कांच. इनकी जो मास है वो इक्वल है और इनका जो टेम्परेचर है वो भी इक्वल है. इनको हटाया गया है एक हॉट ओवन से और फिर हटाने के बाद इनको जो क्रस्ट आइस है उसके ऊपर डाला गया है विच विल मेल्ट मोर ऑफ आइस. सो यहाँ पर किसके कॉन्टैक्ट में आने से ज़्यादा आइस पिघलेगी. तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिक हीट से पूछी गई है. तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को कितना हीट चाहिए होता है, ठीक है, कितना हीट एनर्जी चाहिए होता है इन ऑर्डर टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. सो यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस उसको कितना हीट एनर्जी चाहिए होता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कराने में. तो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका ऑर्डर है सबसे ज़्यादा वुड का है, उसके बाद है कांच का, ग्लास, और फिर उसके बाद है मेटल. तो अगर किसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पता नहीं होगा तो वो मेटल को सिलेक्ट करेगा एज आंसर क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है कि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो मेटल क्या करेगा वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा एज वेल एज वो आइस को ज़्यादा मेल्ट करेगा. बट मेटल इसका सही उत्तर नहीं होगा. इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वुड, क्योंकि वुड, ग्लास और मेटल इनके मास भी इक्वल है और इनके टेम्परेचर भी सेम है. बट वुड को उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए जिस टेम्परेचर में इन तीनों को हटाया गया है उसको ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत है. तो वो जितना ज़्यादा हीट एनर्जी गेन करेगा उसको वो उतने देर तक रिटेन भी करेगा. जितना हीट होगा उतना ही क्या होगा कि जो आइस है वो पिघलेगा. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है यू आर प्रोवाइडेड विथ पिंक कलर्ड चाइना रोज सोल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब. सो आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है और उस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा गया है, चाइना रोज का सोल्यूशन जिसका कलर है पिंक. इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब यू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ए. तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में आप क्या कर रहे हैं, 2 ड्रॉप सोल्यूशन ए को ऐड कर रहे हैं एंड गेट डार्क पिंक कलर. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि टेस्ट ट्यूब जो पहला टेस्ट ट्यूब है उसमें जैसे ही आपने सोल्यूशन ए का 2 ड्रॉप्स ऐड किया तो जो कलर था वो डार्क पिंक हो गया. तो ऐसा कब होता है, जब एसिडिक चीज के कॉन्टैक्ट में चाइना रोज सोल्यूशन आती है. इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब यू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन बी. तो सोल्यूशन बी को सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऐड किया गया, 2 ड्रॉप ऐड किए गए बट देयर इज नो चेंज इन कलर. तो यहाँ पर कोई भी कलर में चेंज नहीं आया, मतलब वो पिंक ही था. तो ऐसा कब होता है, अगर वो न्यूट्रल सोल्यूशन हो. जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर आपने 2 ड्रॉप्स या कुछ ड्रॉप्स सोल्यूशन सी के डाले और आपको मिला जो कलर वो है ग्रीन. तो ऐसा होता है जब बेसिक चीज कॉन्टैक्ट में आती है चाइना रोज के सोल्यूशन. तो हमको ए, बी और सी का जो नेचर है वो फाइंड आउट करना था. तो ए का नेचर है एसिडिक, बी का है न्यूट्रल, सी का है बेसिक. सो एसिडिक न्यूट्रल बेसिक जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू इंडिकेट द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो वेस्ट वाटर है उसको जो ट्रीट किया जाता है ताकि उसको हम लेस टॉक्सिक बनाकर जो वाटर बॉडीज है वहाँ पर छोड़ सके, तो उसका जो ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है, उसको हमें पहचानना है. तो अगर आपने वेस्ट वाटर
वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ा होगा, तो सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है उसको बार स्क्रीन्स के थ्रू पास कराया जाता है ताकि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि प्लास्टिक बैग्स उनको हम हटा सकें। तो सबसे पहला क्या होगा, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग्स आर रिमूव्ड बाय पासिंग वेस्ट वाटर थ्रू बार स्क्रीन्स, तो ये पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद जो होता है वो होता है कि जो वेस्ट वाटर है बार स्क्रीन से छन गया, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो छन गए, उसके बाद उनको भेजा जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवर टैंक में, तो बी के बाद आएगा ई, ठीक है, टू हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है उसको सेटल डाउन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसमें जो हैवी आइटम्स है उनको सेटल डाउन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सैंड ग्रिट और पेबल्स है इनको सेटल डाउन करने के लिए छोड़ा जाता है, जहाँ पर हम जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर देते हैं। किसकी स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, जो पानी अंदर आ रहा है, जो वेस्ट वाटर अंदर आ रहा है उसकी स्पीड को हम कम कर देते हैं, और जो हैवी चीज़ है उस वेस्ट वाटर में उसको सेटल करने के लिए हम छोड़ देते हैं। हैवी आइटम्स क्या है यहाँ पर, सैंड ग्रिट पेबल्स, तो ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि ये जो वाटर को हमने सेटल डाउन करने दिया तो यहाँ पर बीच में एक स्लोप भी होता है, तो वहाँ से इसको गुजारा जाता है। सो वाटर इज मेड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विद दिस स्लोप इन द मिडल, तो वाटर को क्या किया जाता है उसको सेटल डाउन करने के लिए छोड़ा जाता है और बीच में एक स्लोप सी होती है, ये हो गया। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है स्लज इज स्क्रेप आउट एंड स्किमर रिमूव द फ्लोटिंग ग्रीस, तो जो स्लज है वो जमा होने लगता है तो उसको क्या करते हैं पुरेद कर निकाला जाता है, और जो स्किमर है वो ग्रीस जो है वो ऑयली चीज़ है तो वो ऊपर तैरेगी तो उसको हटा दिया जाता है, किसकी मदद से, स्किमर की मदद से। तो ये हो जाएगा फिफ्थ नंबर पर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑर्डरिंग क्या हो रही है, सबसे पहले आ रहा है बी, फिर उसके बाद आ रहा है ई, उसके बाद आ रहा है डी, फिर उसके बाद आ रहा है सी, और उसके बाद आ रहा है ए, बी ई डी सी ए, बी ई डी सी ए हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द वायर्स फॉर्मिंग द फ्री एंड्स ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड अ स्विच आर कनेक्टेड टू फॉलोइंग वायर वन आफ्टर अदर, तो एक सर्किट बनाई गई है, ठीक है, सर्किट में क्या क्या है, एक सेल है, एक स्विच है, और उनके फ्री एंड्स को बारी बारी से जोड़ा जा रहा है, एक बार ए वाले वायर के साथ, एक बार बी वाले वायर के साथ। ए वाले वायर की जो लेंथ है वो बी वाले वायर की लेंथ के समान है, सिर्फ जो डिफरेंस क्या है, इनकी थिकनेस में डिफरेंस है, यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसमें डिफरेंस है, लेंथ सेम है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर जो रिलेशन आपको याद रखनी है वो है रेजिस्टेंस निकालने की, तो वो होता है रो एल बाई ए। सो आर यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस, रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए जो एल है वो तो समान है और जो वायर है यहाँ पर उसकी जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आ रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। अब देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ हीट प्रोडक्शन का क्या नाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हीट प्रोडक्शन के साथ आई स्क्वायर आर टी ऐसा एक रिलेशन है, एच मतलब कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करती है, आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, आर होता है रेजिस्टेंस, टी होता है टाइम। तो अगर आप देखेंगे कि हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा। अब जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा कब होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो आउट ऑफ ए एंड बी किसकी थिकनेस कम है, किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो वो है ए वाले वायर का, क्योंकि ए वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, हीट का जो प्रोडक्शन होगा वो ए वाले वायर में ज़्यादा होगा, सो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ ए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको दो रिएक्शन के बारे में बताया गया है। रिएक्शन वन में हो रहा है क्या, क्विक लाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है क्विक लाइम प्लस वाटर हमको दे रहा है क्या, स्लेक लाइम।
स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये मैं क्यों लिख रही हूँ, मतलब क्विक लाइम, ये है स्लेट लाइम, ओके। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन वन। रिएक्शन टू में क्या हो रहा है कि स्लेट लाइम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या हो रहा है, ये जो स्लेट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये प्रोड्यूस कर रहा है लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट, और हमको मिलेगा यहाँ पे वाटर। तो ये है क्या हमारा रिएक्शन टू, इसको हम यहाँ पे एरो ही देते हैं, इसको ऐसे देते हैं। सो ये क्या है, CaOH cold wise कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, स्लेट लाइम भी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो लाइमस्टोन है वो एक्चुअली क्या है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने यहाँ पे L लिखा है फॉर लाइमस्टोन। तो ये जो रिएक्शन वन और रिएक्शन टू है, इसको आपको देखकर बताना है कि ये दोनों रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में दो दो करके बताया गया है कि रिएक्शन वन क्या है और रिएक्शन टू क्या है। तो अगर आप इस रिएक्शन को प्रॉपरली देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले वाले रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके हमको एक प्रोडक्ट दे रहा है, राइट, और यहाँ पर भी रिएक्शन टू में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके हमको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों ही केसेस में। तो वन वाले ऑप्शन में दोनों में ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो असर्शन में कहा गया है पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट। तो ये बात तो सही है, जो पिचर प्लांट है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे न्यूट्रिएंट्स लेता है। रीजन में बताया गया है पिचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड। ये बात गलत है, पिचर प्लांट को अगर आप देखेंगे उसका पिक्चर तो वो आपको ग्रीन नजर आएगा। मतलब क्या है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो इंसेक्ट को ट्रैप करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। वो हरा अपीयर करता है, मतलब उसमें क्लोरोफिल है, सो इट कैन प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, क्योंकि ये जिस मिट्टी में ग्रो करते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी होती है, तो उसी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है, वो फुलफिल करते हैं इन इंसेक्ट्स, इनको ट्रैप करके इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वहाँ से उनका नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। तो अगर आप देखिए तो असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका सही उत्तर होगा थर्ड ऑप्शन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है अ कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद जिंक टू प्रोड्यूस ए एंड हाइड्रोजन गैस, बट ऑन रिएक्शन विद डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस वाटर, व्हाट इज एक्स। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक कंपाउंड एक्स है जो कि जिंक के साथ रिएक्ट करके ए देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है या मतलब रिलीज होती है, बट जब ये एक्स डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाटर देता है। तो हमको जो एक्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जो जिंक है ना वो एक मेटल है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मेटल जब भी बेस के साथ रिएक्ट करे तब भी वो हाइड्रोजन गैस देता है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तब भी वो हाइड्रोजन गैस देता है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको दूसरे वाले डिस्क्रिप्शन पे बढ़ना है कि वहाँ पे बोला गया है कि एक्स जब डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर देता है। तो ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेस प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नहीं होगा, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी नहीं होगा, क्योंकि जिंक इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता है। तो अगर हम रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमको जो सॉल्ट मिलता है उसका नाम है सोडियम जिंक, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंक। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन तो फुलफिल हो रहा है कि जिंक, अगर इसको हम एक्स मान के चले, जिंक एक्स के साथ रिएक्ट करके हमको हाइड्रोजन गैस दे रहा है,
बट यहाँ पर एक और भी बेस है, कौन है वो? वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके साथ भी ये रिएक्शन ठीक जा रहा है कि नहीं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया ये हमने, KOH, उसके साथ जिंक रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमको एक सॉल्ट मिलता है जो कि है पोटेशियम जिंकेट K2ZnO2 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये जो K2ZnO2 क्या है, वो है पोटेशियम जिंकेट। ठीक है, तो पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो भी इस चीज को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है पहली वाली सेंटेंस को। तो फिर हमको दूसरे वाले सेंटेंस पे बढ़ना पड़ेगा कि जब वो डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो वाटर दे रहा है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या है, बेस है। तो वो इस एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो वाटर देंगे। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो दो है, 1 और 3। तो जिन्होंने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को चूज किया है उनको भी मार्क्स मिला है, जिन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को चूज किया है उनको भी मार्क्स मिला है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो हमसे कहा गया है अ कंटेनर ए कंटेन्स 10 लीटर ऑफ वाटर वेयर एज कंटेनर बी कंटेन्स 10 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। कंटेनर ए में 10 लीटर पानी है और कंटेनर बी में 10 लीटर सरसों का तेल है। The water in both the containers is initially at 40 degree Celsius. So initially इनका जो temperature है वो 40 degree Celsius है and both the containers now are heated to 70 degree Celsius. अब दोनों ही container को heat किया जा रहा है in order to reach the temperature of 70 degree Celsius. So इनमें से कौन सा statement सही है वो हमको समझना है। तो ये वाला भी जो question है ये specific heat से पूछा गया है। तो स्पेसिफिक हीट से जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर को एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वाटर और मस्टर्ड ऑयल दोनों को ही हीट दिया जा रहा है ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाए। बट वाटर को ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी इन ऑर्डर टू रीच दिस टेम्परेचर एज कम्पेयर टू मस्टर्ड ऑयल। और क्योंकि वाटर को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी तो जो कंटेनर ए में वाटर है वहाँ पर कंटेनर से वाटर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र कितना होगा, ज़्यादा होगा। कंटेनर बी में हीट का ट्रांसफ़र उतना नहीं होगा। सो मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन ए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया शिखा लुक्ड एट द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो शिखा ने क्या किया, माइक्रोस्कोप की मदद से लीफ का जो लोअर सरफेस है उसको देखा और उसने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं ये एक्चुअली क्या है, तो ये होते हैं स्टोमाटा जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है पत्ती में। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स ए बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पर हमको एसिड और बेस का रिएक्शन होने से जो सॉल्ट मिलता है तो हमको सॉल्ट के नेम बताए गए हैं। कुछ के बेस को हमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ के एसिड को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है वो हमको कब मिलेगा, तो कौन सा बेस रिएक्ट करे नाइट्रिक एसिड से, ये नाइट्रिक एसिड है ठीक है, तो हमको मैग्नीशियम नाइट्रेट मिले। तो अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमको मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा वो क्या होगा, MgOH गोल्ड प्लस, दिस इज ए। नेक्स्ट वाले में कहा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा बेस रिएक्ट करे कि हमको पोटेशियम सल्फेट मिले। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमको देगा पोटेशियम सल्फेट। सो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बताया है कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है वो हमको कब मिलेगा, तो हमको बेस बता दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बता दिया है। तो एसिड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये नाइट्रेट है तो वो होनी चाहिए क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये होनी चाहिए नाइट्रिक एसिड। तो अगर हम देखें तो ये हमारा सी है, तो ए MgOH फोल्ड ट्वाइस, बी है KOH और फिर सी है HNO3, तो ये होगा फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है जिस तरीके से हमने रिएक्शन को लिखा। तो
तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है, अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय लोकेटिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट बिल्डिंग और अ वॉल। तो एक बच्चा है वो क्या ट्राई कर रहा है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहा है, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है बाय लोकेटिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द वॉल। तो दूर के किसी बिल्डिंग की इमेज को वो वॉल पे लाने की कोशिश कर रहा है। He is getting a blurred image on the wall. तो उसको एक blurred image मिल रहा है, clear image नहीं मिल रहा है wall पे। What should he do to get a clearer image? तो उसे क्या करना चाहिए clearer image पाने के लिए? तो देखिए यहाँ पर उसको focal length का तो पता नहीं है, right? तो वो क्या कर सकता है, वो ये जो lens है उसको इधर उधर मतलब कभी दूर कभी पास wall के लेके जा सकता है जब तक उसको clearer image ना मिले। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। The lens could be moved either away or towards the wall depending on its position. तो फिलहाल उसने जहाँ पर लेंस को पकड़ा हुआ है, जहाँ पे उसको ब्लर्ड इमेज मिल रहा है, तो वो वहाँ से क्या करेगा, वॉल से दूर ले जा सकता है लेंस को या फिर करीब लेके आ सकता है जब तक उसको क्लियरर पिक्चर ना मिले, इमेज ना मिले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। सो रूमिनेंट्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कौन सा ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है जो कि सही सही तरीके से दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, घास खा के निगल लेते हैं, मतलब चबाते भी नहीं है, ठीक है। निगलने के बाद उनका जो चेंबर होता है अलग अलग, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एपोमासम, तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन होने के बाद दोबारा से वो क्या करते हैं, जो खाना पार्शियली डाइजेस्टेड है वो अपने माउथ को लेकर आते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं, फिर उसको अच्छी तरीके से च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद वो निकलते हैं और फिर जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले वो स्वेलो कर लेंगे, फिर रूमेन, रेटिकुलम, इधर पे जाके जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है पार्शियली डाइजेस्ट होके, फिर वो क्या करेंगे, अभी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको कहते हैं कट। सो कट को वो दोबारा माउथ तक पहुंचाएंगे, वहां पर वो दोबारा कट को च्यू करेंगे, च्यू करने के बाद अब वो फिर दूसरे चेंबर्स में उसको भेजेंगे और वहां पर उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कहा गया है, अ गर्ल ब्रिंग्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड एंड अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड वन बाई वन नियर अ वेरी थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम अ टैंक। तो एक लड़की ने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड और एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को वन बाय वन एक स्ट्रीम ऑफ वाटर के पास को लेकर आई जो कि नल से टपक रहा था। इन विच डायरेक्शन विल द वाटर स्ट्रीम बेंड। तो जो स्ट्रीम है, वाटर का जो स्ट्रीम है वो किस दिशा में बेंड करेगी। तो आप जानते हैं ना कि हम वाटर को क्या लिखते हैं, H2O। तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस, ये दोनों आयन्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए जब वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आएगी तो तब वो क्या होगा, जो OH माइनस आयन है वाटर में वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्या हो रहा है कि वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ बेंड करेगा जो भी पानी टपक रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो करेगा H प्लस आयन को अट्रैक्ट। तो तब भी क्या होगा, जो वाटर का स्ट्रीम है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड की तरफ बेंड करेगा। तो दोनों केसेस में ही क्या हो रहा है कि जो वाटर का स्ट्रीम है वो चाहे रॉड की चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो रॉड की तरफ बेंड कर रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि टूवर्ड्स बोथ पॉजिटिवली चार्ज रॉड एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज रॉड, दोनों रॉड की तरफ ही वाटर स्ट्रीम का जो डायरेक्शन होगा वो उस तरफ बेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ए और बी को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन, मतलब जो हमको बताया गया है। प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन ग्राउंड, मतलब पानी जो सॉइल पे पड़ी या ग्राउंड पे पड़ी धीरे धीरे वो जो नीचे के लेयर्स में जा रही है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो वाटर टेबल। सो वाटर टेबल के नीचे जो हार्ड रॉक्स है उनके लेयर्स के बीच में जो ग्राउंड वाटर स्टोर्ड रहता है वो कहलाता है एक्वीफर। सो ए है इन्फिल्ट्रेशन, बी है एक्वीफर जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो एंथर होते हैं उस पे जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं,
सो पॉलन ग्रेन का एंथर से ट्रांसफर होना स्टिग्मा की तरफ, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो 16th वाले क्वेश्चन में कहा गया है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू अ कॉपर सल्फेट पाउडर। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया है कॉपर सल्फेट पाउडर में एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। तो स्टेप ए में क्या किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड को मतलब उसके फ्यू ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट पाउडर में ऐड किए गए और थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया गया। ऑन कूलिंग द एवर ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड। तो जब हमने इस सोल्यूशन को कूल डाउन किया तो हमको बॉटम ऑफ द कंटेनर में नीले रंग के कुछ क्रिस्टल्स अलग होते हुए दिखे। तो स्टेप बी में तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को देख रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को देख रहे हैं। अब ए और बी कैसा चेंज है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो एक फिजिकल चेंज, और यहाँ पर ए वाले स्टेप में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो रहा है। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा एज पर सीटेड आंसर की, वहां पर स्टेप ए को केमिकल चेंज बताया गया है, स्टेप बी को फिजिकल चेंज बताया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग के तौर पर क्वेश्चन दिया गया है। ए में कुछ एसिड्स के नाम है और बी किन में वो पाए जाते हैं वो दिया गया है। तो देखिए जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टोमेटो में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वन हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड होता है एंट स्टिंग में, ठीक है, तो वो बी स्टिंग में भी होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। मैलिक एसिड एप्पल्स में होते हैं, तो ये हो जाएगा एप्पल्स के साथ। और एसिटिक एसिड विनेगर में हो जाता है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर हम देखें वन बी दो जगह पे है, फिर टू जा रहा है सी, तो यहाँ पे 1B, 2C, 3A और 4D, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार डीक्रीजेस द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो कहा गया है कि सितार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको अगर हम टाइट कर दें तो उससे क्या हो जाएगा कि साउंड की जो पिच है वो घट जाती है, जो कि गलत बात है। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, वो बताती है कि कितना वाइब्रेशन हो रहा है पर सेकेंड, राइट। तो वो बताता है एक सेकंड में कितने बार जो चीज़ है वो वाइब्रेट कर रही है। तो आप खुद सोचिए कि अगर एक तार ज़्यादा खिंची हुई होगी तो फिर क्या होगा, उसको हल्के से हम टच करेंगे तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। ज़्यादा वाइब्रेट करेगी मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना मतलब क्या है कि जो पिच ऑफ द साउंड है वो भी ज़्यादा है। तो टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स के वजह से पिच घट जाती है, ये बात गलत है। स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स कितनी खिंची हुई है, कितना टेंशन है उस स्ट्रिंग में, उस पर पिच ऑफ द साउंड डिपेंड करता है, ये बात सही है। तो अगर तार खिंची हुई होगी तो हल्के से उसको मूव करने से ही वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। ज़्यादा वाइब्रेट करना मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब पिच ऑफ द साउंड भी ज़्यादा। इसीलिए जो पिच ऑफ द साउंड है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग पर डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो S1 है वो गलत है, S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर कहा गया है एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, बट ऑक्सीजन उतने अमाउंट में हमारे मसल सेल्स को नहीं मिल पाते, तो मसल सेल्स थोड़ी देर के लिए एन एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। सो इनमें से कौन सा एन एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब मसल सेल्स में एन एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है। तो अगर हम देखें कि मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनती है जब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओनली डी। बहुत लोग क्या करेंगे, वो अल्कोहल
और जो लैक्टिक एसिड दिया गया है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन को देख के उसे चूज करेंगे। बट हमको क्या बोला है कि हेवी एक्सरसाइज के दौरान जो एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे क्या प्रोडक्ट है, तो वहां पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो पार्शियली टूटकर हमको लैक्टिक एसिड देता है, साथ में एनर्जी हमको मिलती है, और इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमारे मसल सेल्स में हमको मसल क्रैम्प्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ टीचर हैज बाउंड अ लॉन्ग पीस ऑफ कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। तो उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी कील को ली है, ठीक है, और उसके आजू बाजू क्या किया है, एक लंबी पीस ऑफ कॉपर वायर को ऐसे लपेटा है। फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सेल, और ये जो फ्री एंड्स है इसको एक सेल से कनेक्ट किया गया है, एंड थ्रू अ स्विच, और एक स्विच भी दिया गया है, ठीक है, इन फ्री एंड्स को कनेक्ट किया गया है। व्हाट विल हैपन व्हेन द स्विच इज क्लोज, तो अभी यहाँ पर स्विच क्लोज फॉर्म में है, तो स्विच क्लोज मतलब क्या है, सर्किट अभी क्या हो गई है, क्लोज सर्किट हो गया है, मतलब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से क्या होगा कि ये जो आयरन नेल है ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ही क्या है कि ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। क्यों ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, क्योंकि जितने देर तक इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तब तक ये जो आयरन नेल है इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द आयरन नेल विल बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट। क्यों, क्योंकि जब तक इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करेगी तब तक ही ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब भी किसी आयरन के पीस के ऊपर ऐसे हम वायर को लपेटते हैं तो इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि टेम्पररी होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, व्हाई इज सेल्यूलोज रिच फूड अ सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम जानते हैं ना कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये हमको डाइटरी फाइबर्स देते हैं जिनका एक और नाम क्या है, वो है रफेज। तो सेल्यूलोज रिच फूड गुड सोर्स ऑफ रफेज क्यों है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो देखिए जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना उनके पास ये जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं जो कि एक आउटर बाउंड्री से कवर्ड रहते हैं जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, मतलब सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, और ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, तो इसीलिए ये एक सोर्स ऑफ रफेज की तरह हमारे लिए काम करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ प्लांट्स उनके लीव्स और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, तो उनके गट में ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेल्यूलेस। सेल्यूलेस क्या करता है, ये इस सेलुलोज को तोड़ देता है। बट ऐसी कोई एंजाइम हमारे इंसान के गट में नहीं है जिस वजह से ये जो सेलुलोज रिच फूड है ये सोर्स ऑफ रफेज की तरह काम करता है, यानी कि डाइटरी फाइबर्स की तरह काम करता है। रफेज का रोल क्या है ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में, ये करते क्या है कि ये हमारे अंदर का जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको निकालने में हमारी बॉडी से मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये बल्क ऐड करता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकलने में ये मदद करते हैं। ये हमारे ओवर ईटिंग को भी रोकते हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट फाइबर्स खाने से क्या होता है कि ये वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ खा लिया है, सो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवर ईटिंग ऑल्सो। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा गया है, टू मेटल बॉल्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम वॉल्यूम एंड विथ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर आर फुल्ली सबमर्ज्ड इन टू आइडेंटिकल ग्लासेस ए एंड बी। तो कहा गया है कि दो धातु के बॉल है जिनका नाम x और y है, इनकी वॉल्यूम सेम है और इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो इनको पूरी तरीके से डुबो दिया गया है एक कांच के ग्लास में, x को a में डुबोया गया है कम्प्लीटली और y को b में डुबोया गया है कम्प्लीटली। जो x का मास है वो y से 3 गुना है, ये भी हमको बताया गया है। तो इन दोनों ग्लासेस में से कहाँ पे जो लेवल ऑफ वाटर होगा वो ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ जो हमको यहाँ पर देखनी है, क्योंकि x का जो मास है वो y से ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो लेवल ऑफ वाटर होगा वो a में ज़्यादा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। एक और चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोनों ही बॉल की वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम सेम होने से क्या होगा कि इनके
अगेंस्ट जो बायर फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी सेम है। तो फिर कौन डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर कि दोनों ग्लासेस में कहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा होगा? वो है ग्रेविटी। जिसकी मास ज़्यादा है उस पर ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करेगी, और जिसके चलते क्या होगा कि जो लेवल ऑफ वाटर है इसको काउंटरैक्ट करने के लिए लेवल ऑफ वाटर जो होगा वो ए वाले में ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो मेटल बॉल है उसकी मास ज़्यादा है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर वन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई और जेड दिया हुआ है। तो एक्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-4, ठीक है 2-4। वाई का है 2-7, जेड का है 2-1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म? सो इनमें से कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है? तो जैसे कि आप देखते हैं कि एक्स वाले जो एलिमेंट है उसको जो आउटर शेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि एक्स या वाई जो कि जेड या वाई से कोई भी नहीं दे पाएगा। तो एक्स के साथ तो यहाँ पर कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, बच जाता है वाई और जेड। तो वाई और जेड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाई को एक इलेक्ट्रॉन दे देने से क्या हो जाएगा, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 2-8। और इधर पे Z 1 इलेक्ट्रॉन जब दे दे रहा है तो उसका आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2। सो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा YZ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो हमसे यहाँ पर कहा गया है रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि पोलियो ड्रॉप्स शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो ऐसे बच्चे जिनको डायरिया हुआ है उनको पोलियो ड्रॉप्स नहीं देना चाहिए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया। तो देखिए जो पोलियो ड्रॉप्स है, अगर हम जिसको डायरिया है उसको अगर हम पोलियो ड्रॉप्स दें तो क्योंकि ये हमारे मुंह में डाली जाती है तो क्या होगा, डायरिया होने से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, तो जो दवाई हमको दी गई वो भी निकल जाती है, जो कि स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि जो पोलियो ड्रॉप्स है वो एलिमिनेट हो जाती है ड्यू टू डायरिया। तो यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट्स है वो सही है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1, ये वाला इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो हमको इसको ठीक से मैच करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन है यहाँ पर, कोलेरा, क्योंकि ये बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी यहाँ पर किया है वो है नाइट्रेट्स, तो ये वीक पे चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, सो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज यहाँ पर क्या है वो है पेस्टिसाइड्स, तो सी चला जाएगा 4 के साथ। और डी है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है वो है फॉस्फोरस, जो पौधों को जरूरत होती है, तो डी चला जाएगा 2 के साथ। तो अगर हम मैच करें A3 के साथ जा रहा है जो कि 2 ऑप्शन में दिया गया है, B1 के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर A3, B1, C4 और D2 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर क्वेश्चन दिया गया है, तो हमको ए बी सी और डी को आइडेंटिफाई करना है। डैश हैव थिन वॉल्स एंड डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल। सो जो वेन्स होती है उनकी थिन वॉल्स होती है और जो आर्टरीज होती है उनकी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है। ब्लड फ्लोस एट हाई प्रेशर इन, सो खून का बहाव हाई प्रेशर में कहाँ से होता है, वो आर्टरीज से होता है। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन डी, वाल्व्स किन में पाए जाते हैं, वेन्स में पाए जाते हैं। दैट हेल्प्स द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो वेन्स में वाल्व्स होने की वजह से ये सुनिश्चित की जाती है कि जो खून का बहाव है वो सिर्फ एक ही दिशा में हो। तो ए बी सी डी क्या है, वेन्स आर्टरीज आर्टरीज वेन्स, कहाँ पे दिया हुआ है, वेन्स आर्टरीज 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 नहीं, वेन्स आर्टरीज आर्टरीज वेन्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर फ्यूज वायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द मटेरियल्स कुड बी यूज्ड एज फ्यूज। तो फ्यूज वायर की तीन जो फीचर्स है वो क्या है कि इसे एक थिन वायर होना होता है, यहाँ पर इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होनी होती है और हाई रेजिस्टिविटी या फिर हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी मटेरियल में से हम किसका इस्तेमाल फ्यूज वायर के तौर पर कर सकते हैं, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे देखें तो सी वाले
जो मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पार्ट है वो जस्टिफाइड है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको कंडक्टिविटी दिया गया है, तो जो कंडक्टिविटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। मतलब क्या, जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी मतलब क्या, कंडक्टिविटी उसकी कम होनी चाहिए। तो आउट ऑफ ए बी सी कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी है, तो ये है। तो कौन सा मटेरियल हम फ्यूज वायर की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4C वाले मटेरियल का इस्तेमाल हम फ्यूज वायर के तौर पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा क्यों मैंने कहा कि जो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उसका इस्तेमाल हम फ्यूज वायर के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि जो रिलेशन है ये मैंने बहुत बार अपने सेशंस में ये रिलेशन लिखा है I²RT। तो यहाँ पर हीट का प्रोडक्शन बताता है H, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो करता है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, उसका रिलेशन ये है। तो I है इलेक्ट्रिक करंट, R है रेजिस्टेंस और T है टाइम। तो जो हीट प्रोडक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो क्या बोले मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक करंट जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा, हीट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा कि ये जो फ्यूज वायर है क्योंकि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये पिघल जाएगी और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, तो करंट का फ्लो रुक जाएगा और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे उसको जो हार्म पहुंच सकती थी वो होगी नहीं, या फिर जो आग लग सकती थी वो नहीं होगी। तो उसी बेसिस पे ये जो 7th क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको कहा गया है 4 टेस्ट ट्यूब्स आर टेकन, तो हमको 4 टेस्ट ट्यूब्स दी गई है। टेस्ट ट्यूब ए में है मिल्क, टेस्ट ट्यूब बी में है ग्लूकोज, टेस्ट ट्यूब सी में है कैलामाइन, टेस्ट ट्यूब डी में है आंवला का रस। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट कलर इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इज ड्रॉप्ड इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो चारों टेस्ट ट्यूब में जब रेड लिटमस पेपर को ड्रॉप किया जाएगा तो क्या कलर चेंज हमको नजर आएगा। तो जो मिल्क है ना ये स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, तो यहाँ पर रेड लिटमस पेपर को अगर हम देंगे तो वो रेड ही रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो न्यूट्रल है तो यहाँ पर भी क्या होगा वो रेड ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं रहेगा। कैलामाइन जो है वो बेसिक है तो यहाँ पर रेड से ये ब्लू हो जाएगा, और जो गूसबेरी आंवले का जो जूस है वो एसिडिक है तो ये क्या रहेगा ये फिर से रेड में बदल जाएगा। तो रेड रेड ब्लू रेड कहाँ पे दिया हुआ है जल्दी से ढूंढते हैं। रेड रेड ब्लू रेड जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, पहले वाले में ये रेड ही रहेगा, दूसरे वाले में भी ये रेड रहेगा, तीसरे वाले में ये ब्लू कलर देगा और चौथे वाले में ये रेड कलर देगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट का एप्लीकेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी है, गैल्वनाइजेशन भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो एप्लीकेशन है वो बताता है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से वो जो बचती है वो उसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये बताता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को नहीं दर्शाती है या उसका एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ पेरिस्कोप। सो इनमें से कौन सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हम पेरिस्कोप के थ्रू क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेरिस्कोप एक्चुअली दिखता कैसा है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, और यहाँ पर 45 डिग्री पे एक मिरर रहती है और यहाँ पे 45 डिग्री पे एक मिरर रहती है, मतलब एंगल है 45। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो लाइट है वो इधर पे आती है, यहाँ से टकराकर इस पे पड़ती है, इस मिरर पे पड़ती है, और फिर यहाँ से टकराकर हमारे आँखों के अंदर तक जाती है। तो कोई भी चीज़, सपोज हम पानी के नीचे हैं तो पानी के ऊपर का अगर कुछ हमको देखना है छुप कर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में एक्चुअली हो क्या रहा है,
एक बार लाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पर पड़ रही है, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लाइट रेज है उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो चीज अच्छी तरीके से या जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पेरिस्कोप में दर्शाया जाता है वो क्या है, प्रकाश का बहुपरावर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो भी नहीं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया, इन अ लेबोरेटरी इन विच जोन ऑफ फ्लेम शुड अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब टू बॉयल वाटर क्विकली। सो जो फ्लेम होता है कैंडल का, उसके अलग अलग जोन है, अलग अलग कलर है, ठीक है। तो अनीता अपने टेस्ट ट्यूब को किस जोन में रखे ताकि जो पानी है टेस्ट ट्यूब में वो जल्दी क्या करे, बॉयल करने लगे। तो जो ब्लू जोन है वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है और वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो अगर हम वहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, पानी जल्दी उबलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा नीला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया, सॉल्यूशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। सो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर नहीं दर्शाता है। सो कर्ड में तो लैक्टिक एसिड होता है, तो ये तो एसिडिक होगा। एमाइनो एसिड एक एसिड है, तो ये भी एसिडिक होगा। बच जाता है कौन, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज न्यूट्रल है और अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया, स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो। किस तरीके से सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके स्टेप्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं, हमको उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको सिल्क मिलता किससे है, कोकून ऑफ सिल्क वर्म। और कोकून कब बनता है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो अंडे लेकर अंडे देगी किसी भी पेड़ के पत्तों में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एग्स आर वॉर्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच। तो एग्स को वॉर्म्थ दी जाती है ताकि अंडे फूट कर कौन निकले, लार्वा निकले, ठीक है। ये हो जाएगा स्टेप 2। उसके बाद क्या होगा, द लार्वा और द सिल्क वर्म्स आर केप्ट इन क्लीन ट्रेस अलॉन्ग विथ फ्रेश मलबेरी लीव्स। अब जैसे ही एक फूट कर लार्वा निकल के आते हैं, जिनको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, तो उनको क्लीन ट्रेस में रखा जाता है जहाँ पर मलबेरी लीव्स उनको एज फूड दी जाती है। तो ये थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 25 to 30 days, 25 to 30 days बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग कोकून्स। तो जो लार्वा होते हैं जिनको हम कैटरपिलर्स भी कहते हैं, उनको ये जो फ्रेशली मलबेरी लीव्स दी जाती है तोड़कर, तो वो खाते रहते हैं और अपना साइज जो है वो बढ़ाते रहते हैं, और मोल्टिंग प्रोसेस भी होता है बहुत बार। अब एक समय आता है कि वो खाना छोड़ देते हैं और वो अपने आजू बाजू कोकून स्पिन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इन्होंने कोकून बना लेने के बाद जब हमको कोकून मिल जाता है, तो हम उसको या तो धूप में रखते हैं या फिर पानी में बॉयल करते हैं ताकि अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। तो ये फिफ्थ स्टेप है। और उसके बाद हमको कोकून से फाइबर्स मिलता है जिसकी मदद से हम सिल्क के चीज़ें बनाते हैं, मतलब फैब्रिक्स बनाते हैं। फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करने के बाद यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। तो ये चला जाएगा सिक्स्थ स्टेप। तो अगर ऑर्डर हम देखें तो सबसे पहले है बी, उसके बाद है डी, उसके बाद है सी, उसके बाद है ई, उसके बाद है ए, और उसके बाद है एफ। तो बी डी सी ई ए एफ, बी डी सी ई ए एफ, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, जिसका जो सही उत्तर है वो है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया, कर्ड इज द टर्म गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स व्हिच इज। सो कर्ड एक्चुअली जो फूड ऑफ रूमिनेंट्स है वो है, बट वो क्या है, तो वो है स्वेलोड एंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। क्योंकि रूमिनेंट्स जो है पहले जल्दी जल्दी से बहुत सारा घास फूस वो खा लेते हैं, फिर वो र्यूमेन में पहुंचता है, फिर वहां से वो पार्शली डाइजेस्ट होकर वो दोबारा उस कड को माउथ में लाते हैं, वहां पे वो प्रॉपरली च्यू करते हैं, फिर उसको रेटिकुलम में भेजते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, तो कड जो है वो निगला हुआ और पार्शली डाइजेस्टेड फूड है र्यूमिनेंट्स का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यू आर प्रोवाइडेड विद 4 solutions। आपको 4 solutions दी गई है। पहला है बेकिंग सोडा सोल्यूशन, फिर सॉल्ट सोल्यूशन, कर्ड शुगर, ठीक है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन क्या है, वो बेसिक है। कर्ड यहाँ पे क्या है, एसिडिक है। और सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, वो न्यूट्रल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू फाइंड द नेचर एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑफ ईच सोल्यूशन।
तो अब कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 ताकि आप इनके नेचर को दर्शा सकें। तो देखिए जो फेनाथलीन है ये कलरलेस लिक्विड है और ये कलरलेस ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है या एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। टर्मरिक सॉल्यूशन भी क्या है कि वो तो येलो इन कलर है, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही रहती है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी वो येलो ही रहेगी, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा कि वो न्यूट्रल है कि एसिडिक है। बट जो मिथाइल ऑरेंज है उसका एक्चुअल कलर है ऑरेंज, ठीक है, उसका जो एक्चुअल कलर है वो है ऑरेंज। एसिड के कॉन्टैक्ट में आते ही ये रेड कलर देता है और बेसिक चीज के कॉन्टैक्ट में आने से ये जो कलर देता है वो है येलो। तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रल के लिए वो ऑरेंज ही रहेगा, एसिडिक सब्सटेंस के लिए वो रेड कलर देगा, बेसिक सब्सटेंस के लिए वो येलो कलर देगा। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर्स है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल चीज़ों के लिए, तो ये हम प्रॉपरली कह सकते हैं अगर इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है और ये न्यूट्रल है। जो चाइना रोज है इसका एक्चुअल कलर क्या है, वो है लाइट पिंक, लाइट पिंक चाइना रोज का जो सोल्यूशन है। अब जब ये एसिडिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये बन जाती है डार्क पिंक, और जब ये बेसिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो बन जाती है ग्रीन, मतलब कलर जो हो जाता है वो है। तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रल के लिए इसको लाइट पिंक दिया रहेगा, कलर देगा, एसिडिक सब्सटेंस में ये डार्क पिंक हो जाएगा और बेसिक सब्सटेंस में ये ग्रीन कलर देगा। तो यहाँ पर भी हमको तीनों सिनेरियोज में क्या मिल रहा है, अलग अलग कलर मिल रहा है। तो बेटर क्या ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पर इसके मल्टीपल्स आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसके आंसर हो सकते हैं। तो जिन्होंने भी 2 को यहाँ पे आंसर किया होगा उनको भी मार्क्स मिला है, जिन्होंने 1 को आंसर किया उनको भी मार्क्स मिला है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 1 या फिर 2। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा नहीं होता है यहाँ पर आउट ऑफ ऑप्शन 1, 2, 3, 4। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो हाँ क्लोरोफिल क्या करती है, सोलर एनर्जी, जो कि लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करती है, तो ये तो होता है। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो ये जो सोलर एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, तो ये नहीं होता। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये होता है। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे होता है 6CO2 प्लस 6H2O gives us C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि 6 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड गैस reacts with 6 molecules of water to give us 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, रिडक्शन होके उसका वो बन रहा है क्या कार्बोहाइड्रेट, तो ये वाला भी हो रहा है। बस सिर्फ क्या नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में वो नहीं हो रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में दिया गया है द फ्री एंड्स ऑफ अ वायर इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड अ स्विच आर कनेक्टेड 1 by 1 टू अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 mm, a wire of length 20 cm and thickness 5 mm. Which of the following is true? तो यहाँ पर heat production के बारे में सारे option दिए गए हैं। तो क्या हो गया है कि हमारे पास एक electric circuit है, ठीक है, उसमें एक cell है और एक switch है, और उसकी जो free ends है उसको एक बार इस wire के साथ connect किया गया, एक बार इस wire के साथ connect किया गया है, कहाँ पे ज़्यादा heat का production होगा वो हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही जो wires हैं उनकी जो thickness है वो same है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सेम है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, यहाँ पर ये जो रो है ये है रेजिस्टिविटी, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों ही केसेस में ए और बी में सेम है, तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे, ठीक है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मोर विल बी द रेजिस्टेंस। अब मैं रेजिस्टेंस के बारे में क्यों इतना बता रही हूँ, क्योंकि एक रिलेशन है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एच का मतलब है हीट का प्रोडक्शन, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो करती है, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई से दर्शाया गया है, रेजिस्टेंस जिसको आर से दर्शाया गया है और टाइम पे। तो आप देख पा रहे हैं कि हीट का जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा,
और रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जिस वायर की लेंथ ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा किस में होगी, बी वाले वायर की यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पर ही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ बी, बी वाले वायर के केस में हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर 18th नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, संजय पुट्स एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल इन अ रेफ्रिजरेटर। संजय एक खाली प्लास्टिक बॉटल रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखता है, आफ्टर फ्यू आवर्स कुछ घंटों बाद व्हाट विल ही ऑब्जर्व, तो वो क्या देखेगा। तो देखिए अगर ये जो प्लास्टिक बॉटल है मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, तो इस प्लास्टिक बॉटल में एयर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो एयर मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर सिचुएटेड होते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन कर रहा है, तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और करीब करीब आ जाएंगे। करीब करीब आने से क्या होता है कि बॉटल के अंदर का जो एयर प्रेशर था, जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जो बॉटल है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, द बॉटल विल कोलैप्स और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बॉटल। सो बॉटल क्या करेगा, वो कोलैप्स करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अंदर जो प्रेशर है बॉटल के वो घट रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर कहा गया रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो कहा गया है कि जो सूखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है, तो ये बात सही है क्योंकि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आयन्स होते हैं H+ और Cl- ये डिसोशिएट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए इसको भिगोना पड़ेगा, मतलब वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो ये बात तो सही है। H2 में बताया गया है लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन्स एंड OH- आयन्स। यहाँ पे कहा गया है कि लिटमस पेपर का कलर जो चेंज होता है वो H+ आयन, ठीक है, इसके प्रेजेंस में मतलब हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में चेंज होता है और OH- आयन के प्रेजेंस में चेंज होता है, जो कि गलत है। लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है H+ आयन जो कि है हाइड्रोजन आयन और H3O+ आयन के प्रेजेंस में, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और ये है हाइड्रोजन आयन। सो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, तो जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। तो यहाँ पर S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, इसका ये सही उत्तर होगा 3rd ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर हमसे असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। तो असर्शन में बताया गया है पॉलिएस्टर क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। तो जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन के कपड़े, ये बात तो सही है। रीजन में बताया गया है सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो रीजन भी सही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रीजन है और जो असर्शन है दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है, जिस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। द डैश इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। सो एब्डोमेन के अपर पार्ट में एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड है, तो हम जानते हैं कि वो कौन है, वो है लिवर, ठीक है, ये एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। ऑन द राइट साइड, सो राइट साइड एब्डोमेन के ऊपर ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड जिसको हम लिवर कह रहे हैं वो उसका जो लोकेशन है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो अगर आपको ये नहीं पता होता कि रेडिश ब्राउन ग्लैंड क्या है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे भी आप फाइंड आउट कर सकते थे कि हम कौन से ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। इट सिक्रीट्स डैश, सो लिवर क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, राइट, दैट इज स्टोर्ड इन। तो लिवर बाइल जूस बनाता है और सिक्रीट करता है, बट ये बाइल जूस स्टोर्ड फॉर्म में रहती है, कहाँ पे वो रहती है, गॉल ब्लैडर में, and plays an important role in the digestion of dash. So ये जो bile juice है ये fats के digestion में मदद करती है, fats के emulsification में ये मदद करती है, मतलब बड़े बड़े fat globules को छोटे छोटे droplets of fat में convert कर देती है ताकि जो lipase enzyme है वो इन पर act कर सके।
की। तो अगर हम देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स में ऑर्डर क्या है, सबसे पहले है लिवर, फिर बाइल जूस, फिर गॉल ब्लैडर एंड देन फैट्स। सो लिवर, बाइल, गॉल ब्लैडर, फैट्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच वुड करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। सो यहाँ पर हमको छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है और उसको पढ़कर हमको जो सही ऑप्शन लग रहा है वो चुनना है। तो डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स इन इंडिया, सो इंडिया में क्रॉप्स की वैरायटी है, उसकी डाइवर्सिटी है, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इंडिया में दो जो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो हम जानते हैं, द क्रॉप्स विच आर शोन अराउंड मिड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल में आर कॉल्ड। तो मिड नवंबर में जिनको बोया जाता है और फिर उनकी कटाई होती है अप्रैल मई के महीने में, तो ऐसे क्रॉप्स क्या है, मतलब विंटर क्रॉप्स की बात हो रही है, तो वो क्या है, वो है रबी क्रॉप्स, राइट। टू एग्जांपल्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर, सो दो एग्जांपल रबी क्रॉप्स के क्या है, तो सबसे पहले तो खरीफ वाले ऑप्शन यहीं पे क्रॉस हो जा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रबी में राइस बताया गया है, राइस यानी कि पैडी, पैडी को तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो उसको हम रेनी सीजन में क्या करते हैं, उसको बोया जाता है, तो वो तो खरीफ क्रॉप है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है रबी क्रॉप्स, इसके एग्जांपल क्या है, वो है वीट और मस्टर्ड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर हमको वेदर चार्ट दिया गया है, द वेदर चार्ट गिवन बिलो डिपिक्ट्स द वेदर एवरेजेस ऑफ एन इंडियन सिटी फॉर द फर्स्ट 7 months ऑफ अ ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1991 to 2021। सो यहाँ पर एक भारतीय शहर का जो वेदर का एवरेज है वो पहले के 7 महीने दिए गए हैं, किस टाइम पीरियड का दिया गया है, 1991 ईयर से लेकर 2021 ईयर तक जो एवरेज होता है वेदर का वो यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जनवरी से जुलाई तक का दिया गया है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो रेंज है, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 18.8 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, फिर 22, फिर अप्रैल मई में ये बढ़ता जा रहा है, फिर जुलाई में ये थोड़ा सा कम हो रहा है, और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 7.5 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत होकर अप्रैल मई तक ये बढ़ रहा है और फिर जुलाई से ये घट रहा है, और ह्यूमिडिटी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा ही है। तो अगर हमको यहाँ पर जो सिटी है, कौन सा सिटी है उसकी पहचान करनी है, तो सबसे पहले आप देखिए कोची जो है वो केरला में है, और केरला का जो वेदर है वो मोस्टली हॉट एंड वेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है शिमला, शिमला क्या है, शिमला तो ठंडा एरिया है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज यहाँ पर दी गई है वो तो होगा नहीं, तो हम शिमला को सबसे पहले क्रॉस करते हैं। फिर जो करनाल आता है, करनाल जो है वो राजस्थान में है, जहाँ का जो वेदर पैटर्न है वो है हॉट एंड ड्राई, ठीक है। और जो चेन्नई है, चेन्नई में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है ये, तो यहाँ पर भी हॉट एंड वेट जैसा ही होता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फिट बैठ रहा है, जो शहर ठीक से फिट बैठ रहा है वो करनाल है, चेन्नई भी नहीं होगा, शिमला भी नहीं होगा, कोची भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मई जून जुलाई के दौरान, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा करनाल, कोची, शिमला या चेन्नई नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, असर्शन में कहा है फॉस्फरस इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तो फॉस्फरस को केरोसिन में स्टोर किया जाता है जो कि गलत है, उसको वाटर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट जो बताया गया है फॉस्फरस कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, तो रीजन में बताया गया है कि जो फॉस्फरस है वो आग पकड़ लेती है अगर वो एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, तो रीजन सही है बट असर्शन गलत है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ सर्फेस, तो किसी भी सर्फेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, रेस्ट पे है, मतलब वो इधर उधर मूव नहीं कर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कंक्लूड अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है आप बता सकते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, तो ये तो होगा नहीं,
अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेज इज एक्टिंग ऑन इट, तो बी वाला तो चलेगा, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिस्क पे होती है तो उसके ऊपर अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेज तो एक्ट करती है. सी कह रहे हैं मल्टीपल पेयर्स ऑफ बैलेंस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, तो ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा जुड़ा जो बैलेंस फोर्सेज है वो इस पे एक्ट कर रही है. तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ बी, मतलब बी या फिर सी. क्योंकि अगर आप देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होती है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शन. फिर यहाँ पर उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स, हाँ, फिर उसका एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल पेयर्स ऑफ बैलेंस फोर्सेस भी है, जिस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर असर्शन रीजन के तौर पे दोबारा से हमको क्वेश्चन दिया गया है. असर्शन में कहा गया है हर्बीवोर्स हैव अ मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स. तो कहा जा रहा है कि जो घास फूस खाने वाले प्राणी हैं जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि गाय या डियर, सो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये ज़्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस एनिमल, मतलब जो मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. तो ये बात सही है. सेलुलोज इज मच मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट देन मीट, तो ये बात भी सही है. रीजन में क्या बताया गया है कि जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही कठिन होता है, तो इसीलिए जो हर्बीवोर्स है उनकी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो पेड़ पौधे ही खाते हैं, है ना. अब पेड़ पौधे बनते किससे है, प्लांट सेल के बने हुए होते हैं, और प्लांट सेल की जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो क्या है, वो है सेल वॉल. और सेल वॉल किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है सेलुलोज की. तो जब ये पेड़ पौधे खाते हैं तो ये जो सेलुलोज है इसको पचाने में समय लगता है, और इसको पचाना डिफिकल्ट भी है, जिस वजह से हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है. जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो तो पेड़ पौधे खाते नहीं है, वो मांस खाते हैं, तो उनको इस लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है. तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो लाइमस्टोन तो है, चौक भी है, मार्बल भी है, जो क्विक लाइम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट वो नहीं है. तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्विक लाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी हेल्पफुल इन लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. सो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए कौन सी कंडीशन सही रहेगी, मतलब गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है. वी हैव टू इनक्रीज प्रेशर. Why? Because गैस के जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर पे हैं, तो प्रेशर डालने से वो करीब करीब आ जाएंगे, और हम जानते हैं ना कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली करीब होते हैं गैस की तुलना में. सो वी हैव टू इंक्रीज प्रेशर, और दूसरा क्या है, वी हैव टू डिक्रीज टेम्परेचर. तापमात्रा को हमको क्या करना है, टेम्परेचर को कम करनी है. तो ये कहाँ कहाँ पे दिया गया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर, नहीं, फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर. तो ये वाला इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कि हमको जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करना है और जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के तौर पर क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पर कॉलम 1 में हमको कुछ मिक्सचर दिए गए हैं, और उनका जो सेपरेशन मेथड है वो हमको कॉलम 2 में दिया गया है, तो हमको इनको प्रॉपरली मैच करना है. तो सॉडस्ट मतलब लकड़ी का जो बुरादा होता है और जो पानी है, इस मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं. तो देखिए ये जो सॉ डस्ट है ये पानी के ऊपर तैरेगा, और इसको हम इजीली, और ये क्या है, ये सॉलिड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और ये इनसॉल्यूबल भी है, पानी में घुलेगा भी नहीं, तो इसको हम आसानी से फिल्ट्रेशन प्रोसेस की मदद से अलग से हमको पानी मिल जाएगा, और अलग से हमको जो फिल्टर पेपर है वहाँ पर ये सॉ डस्ट मिल जाएगा. तो ए चला जाएगा यहाँ पे. आयोडीन एंड सैंड के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, तो देखिए आयोडीन जो होता है उसमें सब्लिमेशन हमको नजर आता है, मतलब सॉलिड आयोडीन से वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम इस मिक्सचर को, आयोडीन और सैंड के मिक्सचर को हीट दे, तो ये जो सॉलिड आयरन है वो
गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं अलग से, जब वो कूल डाउन होके वहां पे जमा होने लगेगा तो अलग से हमको आयोडीन और सैंड मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस को अपनाएंगे। सॉल्ट एंड वाटर, तो देखिए यहाँ पर सॉल्ट जो है वो पानी में घुल जाता है यानी कि वो सोल्यूबल है, तो हम एक चीज कर सकते हैं कि इस मिक्सचर को हम हीट देंगे जिसके वजह से क्या होगा, जो पूरा पानी है वो भाप में बदल जाएगा और कंटेनर में कौन बच जाएगा, वो बच जाएगा सॉल्ट। अब यही वाटर वेपर को अगर हम कॉन्डेंसेशन प्रोसेस के मदद से फिर से दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको वाटर भी मिल जाएगा और सॉल्ट भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको अलग करने के लिए, हम सबसे पहले इसको हीट देंगे ताकि इवेपोरेशन के वजह से जो पानी है वो वाटर वेपर में बन के निकल कर आ जाए और हमको अलग से सॉल्ट मिल जाए। जो डी है यहाँ पर क्रीम, कर्ट से क्रीम को अलग करना, तो उसके लिए हम अपनाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अगर हम देखें ए थ्री के साथ जा रहा है जो कि दो ऑप्शन में जा रहा है, बाकी हम क्रॉस कर देते हैं, फिर बी पे बढ़ना पड़ेगा, बी जा रहा है फोर के साथ, सो ये वाला भी नहीं होगा। तो ए थ्री बी फोर सी वन डी टू, ए थ्री बी फोर सी वन डी टू जो कि ऑप्शन नंबर वन में दिया गया है वो इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है थ्री आइडेंटिकल साइज ब्लॉक्स ऑफ लेड एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सबमर्ज्ड इन वाटर। सो कहा गया है कि एकदम हूबहू एक जैसे दिखने वाले तीन ब्लॉक्स हमने क्या किया है, उसको पानी में डुबोया है। ब्लॉक्स किस किस चीज की है, लेड की है, एल्यूमिनियम की है और जिंक की है, और ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो यहाँ पर हमको तीनों चीजों की जो डेंसिटी है वो बताई हुई है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेड की डेंसिटी है 11.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो डेंसिटी ऑफ जिंक है वो है 7.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी तो आप जानते ही है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इन तीनों का ही वाटर से ज्यादा डेंसिटी है तो वो तो सिंक कर जाएंगे, वो डूब जाएंगे। हाउ वुड द बाइंड फोर्स ऑन लेड ब्लॉक, बाइंड फोर्स ऑन एल्यूमिनियम ब्लॉक एंड बाइंड फोर्स ऑन जिंक ब्लॉक कंपेयर विथ ईच अदर। तो कह रहे हैं कि इन तीनों ब्लॉक्स के ऊपर जो बाइंड फोर्स एक्ट करने वाला है उसका कौन सा यहाँ पर आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 जस्टिफाइड है, मतलब कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो क्या है कि ये तीनों ही ब्लॉक्स क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि इनकी वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। और जब भी किसी चीज की वॉल्यूम सेम होती है तो इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो बाउंड फोर्स होगी वो भी इक्वल होगी, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा कि बाउंड फोर्स तीनों का ही इक्वल है मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो इनकी वॉल्यूम सेम है और ये एकदम सेम अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेंगे जब भी इनको सबमर्ज किया जाएगा पानी में, विच विल बी इक्वल टू द बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। सो इसलिए बाउंड फोर्स तीनों केसेस में ही सेम होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं तो उनमें से जो सही है वो हमको ढूंढना है। अ कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा ही क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, वो रियल इमेज नहीं बनाता है, तो ये पहले ही क्रॉस हो जाएगा। अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, वो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो ये बात सही है, कॉनकेव मिरर मोस्टली रियल इमेज बनाती है, बट एक केस है जहाँ पर वो वर्चुअल इमेज बनाती है, जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के बहुत करीब रखी हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अ कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो ये बात गलत है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, वो रियल इमेज नहीं बनाती है, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नल का जो पानी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बात तो सही है। रीजन में बताया गया है टैप वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। तो कह रहे हैं कि टैप वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती है वो कौन होते हैं, वो होते हैं डिजॉल्व्ड सॉल्ट, ये बात भी सही है।
तो जो रीजन दिया गया है कि क्यों टैप वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि टैप वाटर में जो डिजॉल्व सॉल्ट्स पाए जाते हैं वही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, जहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और जो रीजन है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट्स ऑफ अ प्लांट, इनमें से कौन सा जोड़ा मॉडिफाइड रूट्स ऑफ अ प्लांट दिखा रहा है। मॉडिफाइड रूट्स मतलब क्या कि यहाँ पर रूट्स मॉडिफाई कर चुके हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के सिवाय, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के सिवाय स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो वो क्या स्टोर करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो यहाँ पर मॉडिफाइड रूट्स कौन है वो हमको पहचान करना है। तो देखिए जो पोटैटो है वो तो मॉडिफाइड स्टेम है, कैरेट रूट है, बट हमको जोड़ा दोनों ही मॉडिफाइड रूट्स होना है। यहाँ पर भी पोटैटो है तो नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक है टर्निप, ऑनियन तो नहीं है मॉडिफाइड रूट, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो बच जाता है ऑप्शन नंबर टू। सो टर्निप और कैरेट दोनों ही मॉडिफाइड रूट्स है जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं। क्या स्टोर्ड रहता है, स्टार्च में स्टोर्ड रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा शलगम और गाजर, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, सो इनमें से कौन से ऑप्शन में जो जोड़े दिए गए हैं दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज है, उसकी पहचान हमें करनी है। पहले वाले ऑप्शन में बताया गया है कोलेरा और टाइफाइड दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड इस वाले में बैक्टीरियल है बट मीजल्स वायरल डिजीज है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मीजल्स और एड्स दोनों ही वायरल डिजीज है तो ये नहीं होगा। मीजल्स और चिकन पॉक्स ये भी दोनों वायरल डिजीज है तो ये नहीं होगा। हमको दो जो मतलब एग्जाम्पल्स थे एक ही ऑप्शन में वो बैक्टीरियल डिजीज होना चाहिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर वन, हैजा और टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है अ मैग्नेट इज कट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स लेंथ वाइज, सो एक मैग्नेट को हमने ऐसा लिया है और उसको फोर इक्वल पार्ट्स में काटा गया है, मतलब एक पार्ट, ठीक है, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, इस टाइप से लेंथ वाइज उसको फोर इक्वल पार्ट्स में काटा गया है। हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट, तो अभी जो हमको पतले पतले जो मैग्नेट के पीसेस मिले चार, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, तो ये जो नए हमको मैग्नेट्स के पीसेस मिले इनकी पोल स्ट्रेंथ ओरिजिनल पीस ऑफ मैग्नेट के साथ कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि जो पोल स्ट्रेंथ है ईच न्यू पीस का वो एक चौथाई होगा ओरिजिनल मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ के। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, क्योंकि चार पीसेस में बांटे गए हैं तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया है, अभी 1/4 हो गया है। ओरिजिनल में क्या था, ये 1 था इसका पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ओरिजिनली इसका पोल स्ट्रेंथ 1 था, बट अभी हर एक हिस्सा क्या हो गया है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो देखिए कहा गया है अ गर्ल साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर टू हर फ्रेंड्स हाउस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस, तो एक लड़की है वो साइकिल चलाकर जाती है किस स्पीड से, वो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो कहाँ जा रही है, अपने दोस्त के घर जा रही है जो कि उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर कहा जा रहा है शी रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, अब लौटते वक्त उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ठीक है, तो वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रही है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 10 किलोमीटर, तो उसका जो एवरेज स्पीड है ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप, यानी कि जाने और आने में जो एवरेज स्पीड है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो यही से एक और रिलेशन क्या आता है कि टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर हम यहाँ पर t1 करते हैं तो t1/s1 हो जाएगा, तो d1/s1 अगर हम करते हैं तो होता है 10/s1 कितना है 12, ये हो जाएगा किलोमीटर, ये टाइम है ना, सॉरी ये हो जाएगा r, h हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 5s are 10, 2 6s are 12, तो आवर हमको कितना मिला, t1 मिला हमको 5/6 hour, और इधर पे अगर हम करते हैं तो इसको हम मिटा लेते हैं, इधर पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर t2 हो जाएगा 10/18 आर, सो 2 5s are 10 और 2 9s are 18, ठीक है,
तो टी टू हमको कितना मिला, टी टू हमको मिला 5/9 R. अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है. सो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 10 किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर लौटने का, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा. सो जाते वक्त टाइम लगा 5/6 R और आते वक्त कितना टाइम लगा, 5/9 R. तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ. अब अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 10+10 तो यहाँ पर 20 किलोमीटर हो गया, डिवाइडेड बाय, अब इसका एलसीएम निकालना है. तो 6 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 3 6 इधर 9 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 3 3 9. सो 3 3 9 9 2 18, तो यहाँ पे एलसीएम में आ रहा है 18. सो 6 3 18 होता है, 3 5 15 यहाँ पे आया, 9 2 18 होता है, 2 5 10 यहाँ पे आया. सो यहाँ पर हम किलोमीटर पर आर लिख रहे हैं. तो अगर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25/18, ठीक है, आर. अब हम क्या जानते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 25/18, ठीक है. तो 25/18 डिवाइडेड बाय के बाद है तो ये उलट जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाई 18 बाई 25, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर. सो यहाँ पर 5 4 20 5 5 25. अब और तो कटेगा नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 4 × 18 कितना आता है, 18 × 4 करेंगे तो 4 8 32, यहाँ पे 3 4 1 4 5 6 7. तो अब हम 72 को 5 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 72 है और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 उतरा, 5 4 20, फिर 2 उतरा, तो यहाँ पे हम डेसिमल देंगे तो 0 5 4 20. तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना आया, 14.4 किलोमीटर पर आवर. बट इस क्वेश्चन में एक देखने वाली बात है कि 14.4 किलोमीटर पर आवर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है. इन्होंने ऑप्शन देने में एक गलती कर दी, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसको लिख दिया 14.5 किलोमीटर पर आवर. तो क्योंकि 14.4 किलोमीटर पर आवर के करीब है ये वाला ऑप्शन, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, अ 14 ईयर ओल्ड कंप्लेंस ऑफ कॉन्स्टेंट फैटिक एंड डिजीनेस. सो एक 14 साल का बच्चा है या बच्ची है, बच्ची है यहाँ पर, हर दिया गया है, तो वो क्या कंप्लेन कर रही है कि उसका हमेशा सर चकराता है और उसको हमेशा ही थकावट से फील होती है. अ ब्लड टेस्ट रिवील्स हर हीमोग्लोबिन टू बी 10.0 g/dE. तो उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10 आया है. हाँ, इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स विल बी हेल्पफुल टू हर. सो इन चारों में से कौन सा खाना उसके लिए बेटर रहेगा. तो देखिए, राइस से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमको आयरन रिच फूड आइटम ज़्यादा खानी होती है, तो राइस तो नहीं होगा. बटर में फैट्स ज़्यादा है तो वो भी नहीं होगा. बच जाता है नट्स और स्पिनच, ये दोनों ही आयरन रिच फूड है, बट यहाँ पर जो स्पिनच है वहाँ से हमको ज़्यादा आयरन मिलेगा. मतलब उस लड़की को जो स्पिनच है वो खाने से ज़्यादा आयरन मिलेगा, ताकि उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ सके, तो उसे स्पिनच खाने के लिए डॉक्टर एडवाइस करेंगे, या उसके लिए स्पिनच ज़्यादा खाना सही रहेगा. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजंस फॉर वाटर नॉट बीइंग यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड. सो वाटर को एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं. पहली बात तो है ए में बताया गया इट इज ट्रांसपेरेंट, तो ये बात सही है. नेक्स्ट है बी, इट हैज अ हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो ये नहीं है. इट हैज अ हायर फ्रीजिंग पॉइंट एंड अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, तो ये बात सही है. तो थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पर हम पानी का इस्तेमाल किस लिए नहीं करते, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बाकी लिक्विड्स की तुलना में ज़्यादा है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको कॉलम 1 में दी गई आइटम्स को कॉलम 2 में दी गई डिस्क्रिप्शंस के साथ मैच कराना है. तो अगर हम देखेंगे पैस्चराइजेशन क्या है, पैस्चराइजेशन में हम क्या करते हैं कि पहले हाई टेम्परेचर पे मिल्क को बॉयल करते हैं, फिर सडन उसकी कूलिंग होती है, तो ये चला जाएगा यहाँ पे टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया.
फर्मेंटेशन मतलब क्या, फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है जो कि शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, तो ये चला जाएगा बी के साथ। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि हम इनएक्टिव और वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी एनिमल की बॉडी पे एंटर कराते हैं, मतलब उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि उसकी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया जा सके, तो वैक्सीनेशन चला जाएगा यहाँ पे। प्रिजर्वेटिव क्या है, प्रिजर्वेटिव होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ऐड करना फूड आइटम्स में ताकि उसके सड़ने को हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, ताकि उसको हम ज़्यादा समय तक फ्रेश रख सके, तो ये डी चला जाएगा यहाँ पे। अगर हम ऑर्डर देखें तो यहाँ पर ए टू के साथ दो ऑप्शन में जा रहा है, तो बाकी वाले हम पहले क्रॉस कर देते हैं, तो हमको बी पे बढ़ना पड़ेगा। बी जा रहा है थ्री के साथ, तो ये भी दो जगह पे जा रहा है, तो हमको सी पे बढ़ना पड़ेगा। सी जा रहा है फोर के साथ, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर टू, ए टू बी थ्री सी फोर और डी वन। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि जो भी सीटेट साइंस पेपर टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही कॉन्टेंट लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।